Climactic India is all about the situations, the current situations, post-pandemic situations, and the situations after 2000, whatever happened after 1991, LPG जब आया, तब situation क्या थे? उसके बाद early 2000s में employment situations in India क्या थे? इसके अलावा pre-pandemic और post-pandemic दोनों situations में हमारे employment situations क्या थे? ये इस चैप्टर में रहेगा. इसके अलावा इस चैप्टर में आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं. फर्स्ट इज मगनरेगा, उसका थोड़ा सा एनालिसिस हम लोग करेंगे. इसके बाद ड्यूएट नाम का एक स्कीम है जो मिस्टर जीन ड्रेजे, एक फेमस इकोनॉमिस्ट है, बेल्जियम ओरिजिन से है वो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में से पास आउट है, और ही डिमांडेड इंडियन सिटीजनशिप इन 2002 and since then he is working in India. So, unka ek concept hai on the similar lines of Maganarega. Like Maganarega is about rural employment. Gramin Bharat mein jo employment generation karna hai, uske liye Maganarega 2004 mein laayi gayi thi. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act ke tahat. To uske baad, abhi naya jo discussion chal raha hai, wo hai aapke urban employment se related. To usi ke base pe concept hai Duet naam ki. तो उस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग देखेंगे कि क्या इंप्रूवमेंट लाए जा सकते हैं और उसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है. दूसरी चीज इसमें आएगी राइट टू वर्क. हमने देखा है कि देयर आर डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स, है तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में हम लोग देख सकते हैं कि अभी राइट टू वर्क एक फेमस राइट रहा. इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि हाउ इट बिकेम द डिमांड ऑफ द पीपल, हाउ पीपल गॉट इट टू, और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या होंगे राइट टू वर्क के. क्या ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, क्या ये सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रिलेटेड है, तो ऐसे कुछ डिफरेंट एंगल्स हम लोग देखेंगे. तो राइट टू वर्क भी उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा. इसके अलावा हम लोग देखेंगे अलग अलग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस कैसे है. लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, इंडस्ट्रीज में क्या है, सर्विसेस में क्या है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे जेंडर वाइज कि फीमेल एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है, मेल एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है. इसके बाद स्टेट वाइज देखेंगे कौन से स्टेट्स में क्या सिचुएशन. इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से एज ग्रुप में क्या क्या सिचुएशन अभी चल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के. ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या कहें या हम लोग कह सकते हैं इसे, मिस्टर एपीजे कलाम कॉल्ड इट एज अ पावर. ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी पावर है, लेकिन हमारे लिए वही पावर आज एक समस्या बनी हुई है. कौन सी? तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है वो पॉपुलेशन जो प्रोडक्टिव एज में होती है, मतलब 15 to 54, ये जो पॉपुलेशन है ये अर्निंग होती है, प्रोडक्टिव होती है. तो अगर आप इस पॉपुलेशन को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते, उसके लिए ना तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना तो आपके पास उसके लिए कोई जरूरी पॉलिसी इंटरवेंशन है, तो ये पॉपुलेशन कहीं और डाइवर्ट होती है ना. दो जगह डाइवर्जन हो सकता है, या तो आप उन्हें एंटरप्रेन्योर्स बना सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, या फिर ये लोग यहां से बाहर काम के लिए जा सकते हैं. मेनी कंट्रीज आर देयर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक ऐसा ही एग्जांपल है जहां पे अभी जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, नेपाल. नेपाल इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री, नाइदर प्रोडक्शन नॉर सर्विस. So what kind of jobs they are doing, you know better. These people are working in India, है ना? तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो security guards होते हैं, वहाँ ज़्यादा होते हैं. Metro cities में अगर आप जाएँ, तो hospitality industry है, जैसे hotels हैं, restaurants हैं, वहाँ पे waiters के काम करेंगे, cook का काम करेंगे, chef का काम करेंगे. हर country में, not only in India but also in many different developed countries, वो जाकर वहाँ पे काम करते हैं. तो हमारे यहाँ फिलहाल वही समस्या है कि भारत में लेबर सप्लाई जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि यंग एज ग्रुप जो है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो बहुत ज्यादा है. तो रीजन आपके सामने है कि पॉपुलेशन में 15 to 59 जो एज ग्रुप है, उसमें 2000 से लगभग हर साल 14 मिलियन से इस पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है. 14 मिलियन पर ईयर यंग पॉपुलेशन की ग्रोथ साल 2000 से चल रही है. तो हमारे पास अभी लेबर सप्लाई बहुत बड़े लेवल पे अवेलेबल है. ठीक है, अब इस लेबर सप्लाई में अगर हम लोग देखें
तो इसका जो नेचर है लेबर सप्लाई का ये थोड़ा सा चेंजिंग रहा है। इसमें देखते हैं चेंजेस क्या है। तो हम लोग देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे हमारे यहाँ दो चीजों की जरूरत है, एक तो फॉर्मल एजुकेशन चाहिए और दूसरा चाहिए स्किल एजुकेशन। हम देख सकते हैं कि स्किल एजुकेशन के लिए जितना स्प्रेड या जितना एक्सटेंशन लेना चाहिए था उतना एक्सटेंशन हमारे पास अभी तक नहीं है। तो हमारे यहाँ हम लोग देखते हैं कि एजुकेशन के लिए जो एनरोलमेंट हुआ है वो यंग पॉपुलेशन का, मतलब 18 से ज्यादा पॉपुलेशन का बढ़ा हुआ है। इसके कारण जॉब एस्पिरेशन उनके बढ़ रहे हैं। इट इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग दैट व्हेन यू आर एनरोलिंग फॉर द ग्रेजुएशन प्रोग्राम यू विल एक्सपेक्ट टू हैव जॉब्स आफ्टर 3 or 4 years। तो जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जॉब एस्पिरेंट का। अगर आप रूरल एरिया में जाए, रूरल इंडिया में जाए, वहां पे अगर मनरेगा का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो रहा है, मनरेगा यू ऑल मस्ट बी नोइंग 100 दिन का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट होता है रूरल एरिया के लोगों के लिए, है ना। तो अगर वहां पे इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से चल रहा है दोस पीपल वोंट बी फर्दर एम्प्लॉयमेंट एस्पिरेंट्स, ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट एस्पिरेंट्स नहीं होंगे क्योंकि दे आर सेटिस्फाइड व्हाट एवर दे आर गेटिंग देयर इन द रूरल एरियाज, क्योंकि वहां का उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो ज्यादा खर्चे वाला नहीं है। तो दे डोंट वॉन्ट टू माइग्रेट टू एनी अदर पार्ट ऑफ मेट्रो सिटी और एनी अर्बन एरिया। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो, इंजीनियरिंग किया है, कोई प्रोफेशनल एजुकेशन आपने लिया है, अगर आप अब्रॉड एजुकेशन के लिए गए हो दैट मीन्स यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑन एजुकेशन। तो एजुकेशन को इस समय इस फेज में हम लोग एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। तो वो पैसा हम कैसे रिकवर करें, इसलिए हम लोग एक बड़े बहुत बड़े जॉब एस्पिरेंट बन जाते हैं। तो जॉब एस्पिरेशंस की नंबर जो है फिलहाल बढ़ी हुई है। अब आते हैं फीमेल फिगर्स की तरफ। 15 to 29 years ओल्ड जो फीमेल्स हैं इसमें अगर हम देखें कि कॉलेज अटेंडेंस कितना रहा, तो 2005 में 16.3% वुमेन बिटवीन 15 to 29 इन्होंने कॉलेज अटेंड किया था। 2018 का फिगर हम लोग देखते हैं, इसमें लगभग 31% लेडीज जो है 15 to 29 एज ग्रुप की उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस अटेंड किए हैं। तो इसका मतलब ये है स्कूल एजुकेशन एंड कॉलेज एजुकेशन में एनरोलमेंट जो है वो फीमेल एंड मेल दोनों में बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कारण है कि जॉब एस्पिरेशन बढ़ा हुआ है। अब हम देखते हैं कि लेबर मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को 2017 की रिपोर्ट है, उसमें देखा गया कि भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ईयर 2017-18 में लगभग 6.1% का, आर्गुएबली हाईएस्ट इन लास्ट 45 years। तो इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर्स में मैंने बार बार कहा है, उसमें जो ग्राफ दिखाया है इकोनॉमिक ग्रोथ का या अनएम्प्लॉयमेंट का, है ना, उस ग्राफ में हमें नजर आता है कि हमारा इकोनॉमिक डिक्लाइन एक्चुअली 2018 से स्टार्ट होता है। वी वी आर ऑलरेडी इन एन इकोनॉमिक डिप आफ्टर 2018। इट गॉट इनटू अ सीवियर लेवल इन 2019 एंड इन 2020 वी गॉट इन टू इकोनॉमिक कैटेस्ट्रॉफ। तो ये जो मार्च है आप हमेशा याद रखें। देखो यूपीएससी प्रीलिम्स में, एमपीएससी प्रीलिम्स में, एमपीएससी मेंस में बहुत बार डिकेड बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिकेडल क्वेश्चन, लाइक कौन से डिकेड में या लास्ट डिकेड में क्या क्या सिचुएशन रहे उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, इंडस्ट्रीज हो सकता है, सर्विस हो सकता है, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो डिकेडल स्टडी होना बहुत जरूरी है, इसी एंगल से मैंने ये सब बातें यहाँ पे लिखी है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है जो खुद लेबर मिनिस्ट्री कराती है। इसमें हमें फिर से कुछ इंफॉर्मेशन मिले कि हमारे यहाँ जो जॉबलेसनेस है, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उसकी हाइक होने का मेन रीजन ये है कि हमारे यहाँ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि जैसे वुमेन है, हाउ मेनी वुमेन आर गेटिंग पार्टिसिपेटेड इन लेबर फोर्स। दूसरी चीज ये है कि अगर हम लोग देखते हैं कि मेल कैंडिडेट या 15 to 29 एज ग्रुप के कैंडिडेट कितने लोग लेबर फोर्स को ज्वाइन करते हैं इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम लोग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं। तो यहाँ एक बात आपके सामने एकदम क्लियर है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट हाइक हुआ है उसका रीजन है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत ही कम रहा है, ठीक है।
तो देखते हैं थोड़ा सा लॉकडाउन इफेक्ट हमारे यहाँ कितना दिखाई दिया, क्योंकि रिसेंटली फ्यू डॉक्यूमेंट्स एंड इवन फ्यू एनालिस्ट आर सेइंग दैट द सिचुएशन बिफोर पैंडेमिक्स वेर क्वाइट बेटर, है ना, कुछ लोगों ने बोला है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली लॉकडाउन पीरियड में क्या हुआ और उसके पहले क्या हुआ, उसके पहले की सिचुएशन हमने देखे 2018 की सिचुएशन, अभी लॉकडाउन का देखते हैं हम लोग क्या हुआ। एम्प्लॉयमेंट रेट जो पहले 6.1 था, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो अभी कितना 6.5 हो चुका है 2020 मार्च तक। यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये बढ़ते बढ़ते अप्रैल तक 8% तक गया, है ना। मार्च में तो लॉकडाउन आया था, लगभग 24 मार्च को लॉकडाउन आया और उसके बाद अप्रैल तक ये ग्रोथ होकर 8% तक गया। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स लॉकडाउन लगाना शुरू किया था इवन वेन देवर नॉट इन द सिचुएशन टू गो फॉर द लॉकडाउन, हमारे सामने कोई दूसरी ऑप्शन नहीं था, ये एक मेन रीजन रहा। यहाँ देख सकते हैं अप्रैल में 73.5 लाख जॉब लॉसेस हुए थे, है ना, लगभग 73.5 लाख जॉब लॉसेस इन अप्रैल। उसके बाद देख सकते हैं कि पहले 39.81 करोड़ जॉब्स थे, है ना, मार्च तक 39.08 करोड़ जॉब्स, अप्रैल तक सिचुएशन हो गई थी हमारी। तो हम लोग देख सकते हैं कि फॉल जो है वो बहुत ज्यादा नहीं, इसका मतलब ये है कि फॉल ऑफ जॉब्स वो ज्यादा नहीं, लेकिन जो रेट ऑफ लेबर पार्टिसिपेशन होना चाहिए था वो डिसकंटिन्यू हो गया, ये सबसे बड़ी बात हमारे साथ हुई है। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है इसके पीछे जॉबलेसनेस, मतलब जॉब नहीं है ऐसा नहीं, लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है 2018 ऑनवर्ड्स, सिर्फ लॉकडाउन का इफेक्ट है ऐसा नहीं, लॉकडाउन में ये सिवेरिटी बढ़ी लेकिन इसका ट्रेंड 2018 में ही सेट हो चुका था। अप्रैल 2020 में हम लोग देखते हैं नेशनल लॉकडाउन के बाद हम लोग देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट वन ईयर का कंप्लीटली 23.5% तक चला, अनएम्प्लॉयमेंट ईयर 2020 का 23.5% तक चला गया। अब हमें देखना था कि हम लोग रिबाउंड हो सकते हैं या नहीं। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे 2020 पढ़ा है 2020-21, तो उसमें आराम से एक बार गवर्नमेंट ने लिखी है कि रिबाउंड इफेक्ट दिखने लगा है, इकोनॉमी रिबाउंड हो रही है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो अभी भी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अभी भी बहुत ज्यादा है और एम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी कम दिखाई देता है। अब देखते हैं रूरल और अर्बन फिगर्स कि रूरल एम्प्लॉयमेंट कितना और अर्बन एम्प्लॉयमेंट कितना रहा। तो ईयर अप्रैल 2021 हमारा अभी का करंट सिचुएशन, रूरल एम्प्लॉयमेंट रेट वाज 7.13% व्हिच इज लोअर दैन अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट 9.8%। ठीक है, तो शुरुआत की अगर आप फेज देखते हैं तो फेज ऑफ मार्च 2020 एंड देन अप्रैल 2020, इस फेज में जॉब लॉसेस जो थे वो अर्बन एरिया में ज्यादा थे, रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट था, है ना, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉयमेंट किसी भी चीज को कंसिडर किया जाता। लेबर पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है कि ईयरली देखा जाता है कि कितने लोग, नए लोग लेबर के तौर पे ज्वाइन कर रहे हैं, किसी ना किसी इंडस्ट्री में ज्वाइन कर रहे हैं एक साल के पीरियड में। अलग अलग रेट इवेल्युएट किया जाता है, विमेन का देखा जाता है 18 इयर्स अबोव टू 29 देखा जाता है, 29 टू 54 ऐसे दिखाया जाता है। तो यहाँ एक चीज हमें देखने को मिली कि अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ज्यादा हुआ, मतलब जॉब लॉस जो है वो ज्यादा हुआ, लेकिन रूरल एरिया में जॉब लॉस कम दिखाया इकोनॉमिक सर्वे। क्या रीजन है कि रूरल एरिया में जॉब लॉसेस कम क्यों दिखाए? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को उन्होंने डायरेक्टली दिखा दिया है, जबकि देखो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है ना, जैसे मिस्टर सुखदेव राव थोरात, उन्होंने जो लिखा है उन्होंने कहा है कि नोवेयर इन द वर्ल्ड द एम्प्लॉयमेंट लाइक एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल लेबर इज कंसिडर्ड एज अ गुड एम्प्लॉयमेंट, इवन इट इज नॉट कैटेगराइज्ड एज एम्प्लॉयमेंट, इसे एम्प्लॉयमेंट के तौर पर कैटेगराइज ही नहीं किया जाता। लेकिन भारत में एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम, हम लोग हमारे एग्रीकल्चर में जैसे हम लोग हमने देखा 52 to 54% population of India is still dependent on agriculture,
whereas agricultural produce is not more than 10 to 13% in India. GDP के 10 से 13% के भी ऊपर नहीं. ग्रोथ रेट कितना है एग्रीकल्चर का? 2.5. मतलब प्योरली एग्रीकल्चर का 2.5 के आसपास. अगर हम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स देखते हैं, जैसे इसमें एनिमल हस्बेंड्री आ गया या सभी टाइप के प्रोफेशनल कल्चर्स आ गए, तो ये रेट 4.3-4.4 तक जाता है. एम्प्लॉयमेंट रेट अगर एग्रीकल्चर का अकेले का देखते हैं तो लगभग 5% के आसपास. लेकिन अकॉर्डिंग टू मिस्टर सुखदेव राव थोरा, उन्होंने जो कहा है कि एम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीकल्चर का, इट इज डिस्गाइज्ड, है ना, मतलब अननेसेसरीली एक पूरी फैमिली खेत में काम कर रही, उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो बस जाके काम कर रहे फॉर द सेक ऑफ वर्किंग. भाई मैं खाली नहीं हूं, मैं काम में हूं, मैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता हूं. तो अगर डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का नंबर देखा जाए तो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा है, है ना. तो ये बात हमें याद रखनी है कि एम्प्लॉयमेंट या फिर जॉब लॉसेस जो है वो रूरल एरिया में कम क्यों दिखाए थे. एक चीज ये भी है कि सिवेरिटी एंड इन्फेक्शन ड्यूरिंग द वेव वन वॉज लेसर इन रूरल एरियाज, है ना. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब वेव टू आया, इट वॉज लाइक अ कैटास्ट्रोफ इन रूरल एरियाज. इसके बाद देखते हैं मई 21 के आसपास हम लोग देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज ऑलमोस्ट 10.3%, अर्बन वॉज 12.2% एंड रूरल एट 9.4%. तो यहाँ पे भी एक क्लियर पिक्चर आपके सामने है कि रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.4% है और अर्बन एरिया में वही 10.3%, है ना. रीजन हमने देखा कि क्या है, एग्रीकल्चर, ठीक है. लेबर पार्टिसिपेशन रेट अगर अप्रैल का देखते हैं, इट रिमेंड एट 40%, रिमेंड लोअर देन द लेवल सीन बिफोर द लास्ट ईयर्स लॉकडाउन. लॉकडाउन से पहले अगर देखा जाए तो लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 40% से ज्यादा था, वो अब कम हुआ है. लेबर पार्टिसिपेशन रेट से इसका सिग्निफिकेंस मैंने लिखा है यहाँ पे कि हमारे पॉपुलेशन में कितने लोग जॉब एस्पिरेंट्स हैं, ये हमें पता चलता है. लेबर पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं कि लोग जहां फिक्स हुए काम करने के लिए वही काम करना चाहते. दे आर एक्चुअली शोविंग, इट इज एक्चुअली द फिगर शोविंग द जॉब एस्पिरेंट्स. जॉब एस्पिरेंट्स कितने हैं भारत में, वो फिगर दिखाने का काम जो है वो लेबर पार्टिसिपेशन रेट का होता है. वुमेन का अगर हम लोग देखें, शी इज अंडर डबल ट्रबल. तो डबल ट्रबल किस टाइप का है वो हम लोग देखते हैं. लोअर लेबर पार्टिसिपेशन, सबसे पहले वुमेन का लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है वो बहुत कम. दूसरी चीज हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट. हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर जो देखा जाए तो वो वुमेन कैटेगरी में बहुत ज्यादा दिखाई देता है. और जनवरी टू अप्रैल 2021 पीरियड अर्बन फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट वॉज जस्ट 7.2% कंपेयर्ड विद अर्बन मेल्स 64.8%. अर्बन फीमेल का लेबर पार्टिसिपेशन रेट सिर्फ 7.2% और मेल अर्बन लेबर पार्टिसिपेशन रेट 64.8%. मतलब हमारे सामने बात एकदम क्लियर है, है ना. अब इसमें दो डायमेंशन आपको दिखाई देते हैं वुमेन का लेबर पार्टिसिपेशन रेट कम है. कोई बता सकता है रीजन क्या है, वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेट कम क्यों है? बताइए. हाँ, हाउसहोल्ड वर्क्स, ठीक है. देखो, मैं पैट्रियार्कल सिस्टम में रहते हैं हम लोग. अगर आप किसी भी छोटी मोटी दूसरी कंट्री में आप विजिट करो, यूरोप की खास करके, मुझे, मैं यूरोप के एग्जांपल ज्यादा कोट करता हूँ क्योंकि देखा है वहां का लिविंग, मतलब लाइफस्टाइल किस तरीके का है वहां पे. हु विल टेक केयर ऑफ द हाउस, इट डजंट मैटर व्हाट इज योर जेंडर, मतलब मेल है तो ही विल टेक केयर ऑफ द हाउस. दोनों अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं, दोनों अलग अलग शिफ्ट में कुकिंग करते हैं. वहां ज्यादातर ब्रेकफास्ट वगैरह जो होते हैं मेल कैंडिडेट बनाते हैं घर के, है ना. अपना अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाकर लोग खाकर चले जाते हैं. ऐसा इतना बड़ा कढ़ाई रख के 15 लोगों का खाना रोज नहीं बनाना पड़ता,
उनकी खाने के तरीके अलग है ना, मतलब हमारे जैसे कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे और कैलकुलेटेड कार्बोहाइड्रेट खाएंगे। तो ये जो तरीके हैं, जो लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में विमेन के लिए बहुत ज्यादा स्पेस बचती है, बहुत ज्यादा स्पेस विमेन लाइफ के लिए बना के रखी है। यहाँ इस तरीके का स्पेस नहीं है। अगर हम देखें कंसिडरेबली, हम लोग कंपेरिजन में जाए तो विमेन वर्क्स मोर देन द मेन, क्योंकि घर का काम और बाहर का काम, करियर का वर्क, दोनों वो करती है। जैसे अगर इसके कुछ मेडिकल एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, कुछ मेडिकल एविडेंसेस हमें इसके मिले। मेडिकल एविडेंसेस में विमेन में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं। इवन दो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैव नॉट एक्सप्लोर्ड बाय द मेडिकल स्पेशलिस्ट, वन कंक्लूजन हैज ड्राइवन बाय द जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा है कि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं वो स्ट्रेस के कारण होते हैं, और ये डिसऑर्डर्स विमेन में ज्यादा पाए जाते हैं। इसके रीजन क्या है? She lives her life under a tremendous stress. The stress, emotional stress, है ना? Moral stress, physical stress. She will have to operate the home, she will have to operate the career. दोनों जगह उसे under stressful conditions रहना पड़ता है। तो सबसे पहला तो पैट्रियार्की है, जो कभी मत भूलो, अर्बन एरिया में भी वो अलग तरीके से एक्ट करता है, है ना? अलग तरीके के उसके डायमेंशन है। रूरल एरिया में एकदम क्लियर है दैट You will have to take care of everything. Man lives like a king. है ना? मेरे भी जो rural areas में relatives हैं, मैंने वहाँ पे देखा है, कुछ जीजाजी वगैरह लोग मेरे, they lived like the king, they died like the king. The woman is still working. She worked at home, she worked at farm, she worked with relatives, she dealt with all kind of relatives. सभी relatives से deal करने का काम करना। जीजाजी chair छोड़ती है। एकदम armchair personality है। Chair की तरह बैठा है। तो ये सब चीजें हैं हमें देखने को मिलती है। दूसरे चैलेंजेस अगर हम लोग देखें तो रूरल अर्बन एरियाज में हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी वुमेन के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब आज हमारी कोई सिस्टर है, कोई किसी की वाइफ है, किसी की गर्लफ्रेंड है, शी वॉन्ट्स टू गो फॉर द जॉब, हम लोग 100 बार सोचते हैं, हम सोचते हैं कि वहां पे सोशल सिक्योरिटी कैसा होगा, है ना? हम लोग नहीं चाहते कि नाइट शिफ्ट कहीं काम में मिल जाए, चाहते कि भाई 6 से 8 घंटे का काम हो, उसके ऊपर ना हो। तो ये सब इश्यूज है। इसके अलावा विमेन का जो खुद का एस्पिरेशन है वो भी एक रीजन है। विमेन मोस्ट ऑफ द टाइम्स शी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अंडर द पैट्रियार्कल कल्चर, इट हैज लिटरली अफेक्टेड हर माइंडसेट दैट शी इज नॉट थिंकिंग अकॉर्डिंग टू हर एस्पिरेशंस एंड शी इज नॉट एस्पायरिंग सच हाई थिंग। कोई बड़ी एस्पिरेशन नहीं रखती है विमेन। आप देख सकते हैं कि 12th ग्रेजुएशन होने के बाद शी विल डू 2-3 अटेम्प्ट फॉर एवरीथिंग And if she fails, she is ready to marry. तो ये सब चीजें हैं जो अर्बन एरियाज में रिस्पॉन्सिबल है वुमेन के लेबर फोर्स के लिए। अर्बन फीमेल एम्प्लॉयमेंट वॉज 18.4% अगेंस्ट द अर्बन मेल एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 6.6%। अगर हम लोग अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं तो अर्बन फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज 18.4% और अर्बन मेल एम्प्लॉयमेंट 6.6%। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अर्बन विमेन में हमें बहुत ज्यादा दिखाई देता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में देखते हैं अभी क्या सिचुएशन है। तो 2020-21 इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन द सेवियर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, है ना? बोला गया था कि यह बहुत बड़ा सेवियर रहा है एम्प्लॉयमेंट। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तो 6 मिलियन तक गया और 5% ऑफ द कंपेयर्ड विद एवरेज काउंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020। तो लगभग 5% एम्प्लॉयमेंट रेट हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में ईयर 2020 में देखा। ठीक, अब आप सबको समझ में आ चुका है कि ये जो जॉब्स है वो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अप्रैल 2021 एग्रीकल्चर शेड 6 मिलियन जॉब्स। अप्रैल 2021 में हमें अलग इफेक्ट दिखाई दी, इसमें लगभग 6 मिलियन जॉब्स शेड हो चुके थे। ठीक है, मतलब लूज हो चुके थे। अब इसमें देखना है हमें कि डेली वेज लेबर्स हैं एंड स्मॉल ट्रेडर्स हैं। इनमें अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट रेट अगर देखा जाए अप्रैल 2021 तक तो लगभग 0.2 मिलियन था, 0.2 मिलियन एम्प्लॉयमेंट रेट लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेट था। तो डेली वेजर जो है उनका काम चल रहा था,
स्मॉल ट्रेडर्स जो है उनका काम चल रहा था, तो इस सेक्टर में जो जॉब लॉसेस है वो हमें कंपैरेटिवली कम दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हमें इसके कुछ इम्प्लीकेशंस देखनी है, इससे रिलेटेड कुछ चीजें देखनी है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लेबर सप्लाई हुआ है वो कहां से हुआ, तो हमें देखना है जब लॉकडाउन आया 2020 का, तब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे बहुत बड़ा असर हुआ। 2021 में हमें ये असर कंटिन्यू दिखाई दिया, तो इसी पीरियड में 2020 to 2021 तक ये जो लेबर्स थे ये एग्रीकल्चर में चले। भारत में एक प्रॉब्लम है, हम लोग जब इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं तो हमारे सामने एक अलग इंडेक्स होता है, जो इंडेक्स में हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं कि उसमें प्रॉब्लम क्या है कि कोई इंडस्ट्रियल वर्कर हम रजिस्टर करके नहीं रखते कि ये इंडस्ट्रियल वर्कर है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है मोस्टली अनऑर्गेनाइज रजिस्टर्ड नहीं, इसलिए ये रेगुलेटेड नहीं होता। तो यही इंडस्ट्रियल वर्कर जब सीजन खत्म होता है उसका काम का इन इंडस्ट्रीज, वो खेत में जाता है, खेत में काम करता है। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअल फिगर्स नहीं है कि हमारे पास कितने एग्रीकल्चरल डेली वेजर्स हैं और कितने इंडस्ट्रियल वर्कर्स, क्योंकि यही इधर माइग्रेट होते हैं एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में माइग्रेट होते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो भी बहुत बड़े लेवल पे अनऑर्गेनाइज, तो इसके बहुत सारे लेबरर्स एग्रीकल्चर में शिफ्ट हो गए। ये एक रीजन था कि एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ लेबर सप्लाई हमेशा बना रहता है। हम लोग देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है या रियल एस्टेट सेक्टर जो है, उसका डिक्लाइन जो है वो 2017 ऑनवर्ड्स है ना, एक बहुत बड़ा बवाल उस समय हुआ था, डिमोनेटाइजेशन के बाद बहुत बड़ा इफेक्ट इस सेक्टर पे हुआ था, रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे फिगर दिया है, CMIE का फिगर है, 6.2 मिलियन पीपल रिलीज फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड डेली वेजर जॉब्स would well have ended up remaining unemployed during the month. अगर ये फोर्स एग्रीकल्चर ज्वाइन नहीं करता तो लगभग 6.2 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते। ठीक है, इस तरीके का डिसगाइज है। अब थोड़ा सा मगनरेगा के बारे में देखते हैं, मगनरेगा का फिगर क्या रहा, 2.7 करोड़ हाउसहोल्ड साइन अप फॉर द वर्क इन अप्रैल 2021, काफी बड़ा नंबर आपको दिखाई देता है। प्रीवियसली ये नंबर पिछले साल 1.3 था, मतलब पिछले साल 1.3 करोड़ लोगों ने मगनरेगा के लिए रजिस्टर किया, इस बार 2.7 करोड़ फैमिलीज ने, हाउसहोल्ड्स ने रजिस्टर करने की कोशिश, मतलब जॉब एस्पिरेंट्स की नंबर जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसमें मेन कंट्रीब्यूशन क्या रहा, तो वो है रिवर्स माइग्रेशन से। हमने देखा कि अर्बन एरिया में लॉकडाउन आया, इंडस्ट्रीज बंद पड़े, तो ये लेबरर्स गांव की तरफ गए। अब गांव में गए तो उन्हें लगा कि खेती, कुछ लोग देखो हमारे यहाँ फार्मर्स की बहुत बात होती है लेकिन पॉलिसी नहीं आती उनके लिए। लेकिन दूसरा एक सेक्शन है जो है लैंडलेस लेबर, उसके बारे में तो बात भी नहीं होती है ना, क्योंकि ये सेक्शन बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज नहीं। भारत जैसे डेमोक्रेसी में जहां पे रूल्स जो होते हैं वो ऑलिगार्चिक होते हैं, है ना, आपने ऐसे में कुछ वर्ड यूज नहीं किए, कुछ बातें जब हम लोग लिखते हैं तो ऐसा ना लिखे कि पावर इज सेंट्रलाइज्ड अमंग द फ्यू हैंड्स, उसे ओलिगार्चिक या ओलिगार्किक यूज किया जाता है, उस टाइप से लिखो, है ना। तो ओलिगार्किक पावर्स हमारे यहाँ है और दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंक्लूजन में इंटरेस्टेड नहीं रहते। तो उनका अगर हम देखें तो इंक्लूजन अगर हमें लाना है इन लोगों के बीच में, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम पहले तो सेक्शंस को रिकॉग्नाइज करें, जैसे फार्मर एक कम्युनिटी है उसे रिकॉग्नाइज किया गया, ऐसे ही नहीं किया गया, बहुत सारे बहुत बड़े लेवल पे अप्राइजिंग एजिटेशंस चले, बहुत सारे PIL गए, है ना, बहुत सारा सिविल एक्टिविज्म, बहुत बड़े लेवल पे जुडिशियल एक्टिविज्म चला, तब जाकर कम्युनिटी के तौर पे फार्मर को रिकॉग्नाइज किया। अब वक्त है कि हम लोग जो लैंडलेस लेबर्स है उन्हें भी ऑर्गेनाइज कर। हमारे यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है, एग्रीकल्चर खुद एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसमें अगर लेबर पार्टिसिपेशन का तौर लेबर पार्टिसिपेशन अमॉन्ग लैंडलेस लेबर हमें समझना है तो उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी है।
एज अ लैंडलेस लेबर वो कितने हैं ये हमें पता चलना चाहिए। तो अगर ये फिगर्स हमारे सामने आते हैं तो रियल मैनर में इंक्लूजन लाया जा सकता है। अभी देखो देयर आर मेनी पीपल हु वांट्स टू प्ले द गेम ऑफ और वांट्स टू प्ले द पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन। आपके जैसे कुछ लोग ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं वो चाहते हैं कि इंक्लूजन लाया जाए लेकिन आपके पास फिगर्स एंड डेटा अवेलेबल नहीं होता। आपके पास पता, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हो तो आपको पता नहीं होता कि कितने डिस्ट्रिक्ट में आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने लेबर जो है वो लैंडलेस लेबर्स। आपके पास फिगर ही नहीं होती, उन्हें कैसे बुलाए, उनको रजिस्ट्रेशन कैसे कराए ये आपको पता नहीं होता। स्कीम आपको पता है, हाउ टू इंप्लीमेंट आपको पता है, आप उसको अच्छे से कर सकते हैं लेकिन इन लोगों के फिगर्स आपके पास नहीं। मीन्स यू आर नॉट हैविंग एनी चैनल टू रीच आउट टू देम। ये हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए हमारे सभी सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में लाने की कोशिश हमें करनी चाहिए सो दैट आवर लेबर्स, आवर स्किलफुल लेबर्स, आवर एवरी एम्प्लॉय शुड हैव द रजिस्टर्ड एंड शुड गेट द इंश्योरेंस स्कीम, इंश्योरेंस कवरेज। ये सब अगर आपको चाहिए तो रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो याद रखिए कि मनरेगा का रजिस्ट्रेशन क्यों बढ़ा, तो रिवर्स माइग्रेशन उसके लिए एक बहुत बड़ा रीजन रहा। CMEI डेटा से हमें फिर से एक बात पता चलती है कि सैलरीड जॉब लॉसेस कितने हुए ड्यूरिंग द पैंडेमिक्स। तो सैलरीड जॉब्स अगर हम देखें, सैलरीड जॉब का मतलब होता है कि उसे मंथली पेमेंट मिलता है। डेली वेजर का है मतलब रोजी पे चलता है, रोजंदारी मराठी में शब्द है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव जॉब लॉस ऑफ सैलरीड जॉब सिंस पैंडेमिक बिगन इज पेक्ड एट 12.6 मिलियन, ठीक है। 2021 में ये ड्रॉप फिर से 3.4 मिलियन जॉब्स तक आया हुआ है। तो 12.6 मिलियन जॉब्स सैलरीड जॉब्स थे, है ना, ये अब आ चुके हैं 3.4 मिलियन जॉब्स। इतना बड़ा जॉब लॉस सैलरीड जॉब में हमें दिखाई देता है। अब इसके दो रीजंस हैं, एक तो सैलरीड जॉब की स्ट्रक्चर बदलाए गए पैंडेमिक्स के बाद, है ना, इसे गिग जॉब्स में कन्वर्ट किया गया, GIG गिग जॉब्स। ये क्या होता है, गिग जॉब्स कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स होते हैं, 7 मंथ्स के, 8 मंथ्स के, 11 महीने के ऊपर नहीं जाने देते। क्या प्रॉब्लम है 11 महीने के ऊपर गया तो, अकॉर्डिंग टू लेबर रूल्स ही विल कन्वर्टेड टू अ सैलरीड पर्सन, आपको उसे परमानेंट करना पड़ता है। इसीलिए पहले 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट थे, अब 7 महीने 6 महीने के भी कॉन्ट्रैक्ट लाए गए, ठीक है। तो इसके तहत क्या हुआ कि बहुत सारे लोग अभी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स में जा रहे हैं, गिग जॉब्स में जा रहे हैं, ठीक है। हरियाणा में देखा जाए, अब स्टेट वाइज अगर डेटा देखा जाए तो हरियाणा रिकॉर्डेड हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अप्रैल 2021 एट 35%, राजस्थान फॉलोड 28%, दिल्ली इज फॉलोइंग 27.3%, गोवा इज एट 25.7%। इसके बाद गुजरात का अगर हम देखें, मुझे ये रीजन समझ में नहीं आया, गुजरात विटनेस द फेरोसिटी ऑफ द पैंडेमिक, सेकंड वेव बहुत खतरनाक था गुजरात में। इसके बाद भी वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अभी भी 1.8% के नीचे है। इसका क्या रीजन रहा है, तो कुछ 2-3 रीजंस मैं आपको बता सकता हूँ, बट आई एम नॉट कॉम्पिटेंट राइट नाउ टू टेल यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड कि इतने जॉब रिटेन कराए गए। सबसे पहला ये है कि वहां पे जो डायमंड इंडस्ट्री है या ज्वेलरी इंडस्ट्री है बहुत हायर लेवल पे डेवलप हो चुकी है। हमारे जितने भी नामी गिरामी डायमंड ज्वेलर्स हैं या डायमंड मर्चेंट्स हैं वो वहीं रहते हैं, है ना। तो सबको पता होगा सूरत में आप जाओगे जवेरी मार्केट, वहां अगर आप जाओ तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री। तो इन्होंने लॉकडाउन पीरियड में हाउस जो हम लोग कहते हैं वर्क फ्रॉम होम, है ना, वो कंटिन्यू कराया, लेबर्स को कम नंबर में इंडस्ट्री में काम कराया। तो इन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया इस ट्रेड को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम था हमारे लिए। तो गुजरात गवर्नमेंट ने इसको बैन करने की या इसके ऊपर अब लॉकडाउन लगाने की कोशिश नहीं की। तो इसमें बहुत बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था। दूसरा एक सेक्टर है वो है टेक्सटाइल, जो गुजरात में बहुत फ्लरिशिंग। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद रही लगभग 7 महीने तक बंद रही, उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रिबाउंड देखने को मिला। गुजरात टेक्सटाइल किस चीज के लिए पॉपुलर है बताइए मुझे, मतलब क्या है ऐसा जिसके लिए वो पॉपुलर है। चीपर क्लॉथ्स, बहुत कम रेट में क्लॉथ्स बनाते हैं। हमारे विदर्भ, महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र,
वहां जो सेल्स होते हैं ना, सेल लगाए जाते हैं, सब माल पूरा गुजरात से आता है ना, तो बहुत चीपर रेट पे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाते हैं अपनी। तो टेक्सटाइल एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण बहुत बड़े लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट रुका रहा, एम्प्लॉयमेंट बना रहा, ठीक है। तीसरी चीज अगर हम लोग देखें एग्रीकल्चर में, तो उनके यहाँ कैश क्रॉप्स बड़े लेवल पे लिए जाते हैं। कौन सा कैश क्रॉप फेमस है वहां का, कौन से फेमस है कैश क्रॉप्स? आ गया ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी फिर से रिलेवेंस में, कुछ हद तक है लेकिन इतना पॉपुलर नहीं वहां का। भाई मैं तो नहीं खाता वहां का, मैंगो तो हमारे पॉपुलर है, मागिरी वाले, देवगढ़। जीआई इंडिकेटर्स है, याद रखिए ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ का प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ कहाँ से है, कहाँ पॉपुलर है। देखो गुजरात में ग्राउंडनट टोबैको ये दो बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, ग्राउंडनट का बहुत बड़ा कल्टीवेशन होता है, और दूसरी चीज है टोबैको का बहुत बड़ा इंटेंसिव कल्टीवेशन वहां पे किया जाता है। ये दो रीजन है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में जो लेबर्स है, और खास बात यह है कि जो कैश क्रॉप इंडस्ट्री है या रॉ मटेरियल इंडस्ट्री है इनकी, इसमें एम्प्लॉयज जो होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं गुजरात में, तो ये भी एक रीजन रहा है जिसके कारण गुजरात में जो फॉल है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नहीं बढ़ा लॉकडाउन के बाद। ये कुछ चार एरियाज है जो आप याद रख सकते हैं। दूसरा तो आप सबको पता है कि ट्रेड सेंटर्स है ना, मैरिटाइम एरिया है वहां पे ट्रेड सेंटर्स है, तो जो ट्रेड है उसमें जितना एम्प्लॉयमेंट है, डॉक यार्ड में जितना एम्प्लॉयमेंट है सब कंटिन्यूशन में रहे, है ना, वो तो चार ही महीने बंद थे उसके बाद वो शुरू हो गए फिर से, तो ये भी एक रीजन रहा। CMEIE के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका खुद का स्टेटमेंट आया है, 90% ऑफ इंडियन फैमिलीज हैव सीन देयर इनकम श्रिंक ओवर द कोर्स ऑफ पास्ट 13 मंथ्स। उन्होंने कहा कि 90% इंडियन फैमिलीज का इनकम जो है वो श्रिंक होते हुए हमें दिखाई दिया, कम होते हुए हमें दिखाई दिया। तो हमें इसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर दिखाई देता है ना, कि हमने देखा कि जो हमारा कंज्यूमर पैटर्न है ना, जो कंज्यूमरिज्म है या कंज्यूमर बिहेवियर है, कंज्यूमर सेंटिमेंट है, वो अल्टर हो गया है ना। पैसा था, अब आपने देखा होगा देयर आर मेनी पीपल हु स्टॉप स्पेंडिंग, है ना, कुछ लोगों ने दे वेर हाईली डिटरमाइंड टू बाय अ कार, हाईली डिटरमाइंड टू बाय अ हाउस, वो लोगों ने अपने चॉइसेस बंद कर, भाई अपने ही अपने 3-4 साल के बाद देखेंगे, है ना। बस ऐसे लोग खरीद रहे जिन्हें लगता है कि भाई एक बार खरीद लेता हूँ आगे क्या होगा पता नहीं, ये भी एक सेंटिमेंट देखने को मिला है। लेकिन फाइनली अल्टीमेटली एक सेंटिमेंट जो है वो चेंज हुआ है ना, तो इसका असर हमारे डिमांड के ऊपर दिखाई दिया, हमारे डिमांड्स रिड्यूस हो गए। हमने देखा था जून 2020 है ना, एक ऐसा मंथ था हमारे लिए, हिस्टोरिक मंथ माना गया है ना, बहुत इसको लेकर रिवाइवलिज्म किया गया गवर्नमेंट द्वारा, कि जून 2020 में 18 साल बाद गवर्नमेंट ने एनुअल बजट जो है वो सरप्लस में आया। क्या रीजन था? नहीं नहीं इंपोर्ट कम था, है ना, एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं, इंपोर्ट हमारा एकदम कम हो गया क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने डिमांड ही नहीं बनाया कि किसी चीज का इंपोर्ट हम लोग करें। और कौन सा इफेक्ट था वो सबसे बड़ा? लॉकडाउन के कारण हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे, तो हमारा पेट्रोलियम इंपोर्ट रिड्यूस हुआ। पेट्रोलियम इंपोर्ट रिड्यूस होने से वो मंथ जो है वो सरप्लस दिखाई दिया, ठीक है। इसके बाद आरबीआई अपना मंथली बुलेटिन हर बार रिपोर्ट के तौर पे पब्लिश करते हैं, उनकी वेबसाइट पे होता है। इसमें उन्होंने एक खास फिनोमिना दिखाया, वो दिखाया डिमांड शॉक, जिसकी बात हमने अभी अभी की। तो डिमांड शॉक हमें देखने को मिला, इसमें लॉस ऑफ मोबिलिटी मतलब लोग बाहर जाना बंद कर दिए, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कहाँ खर्चा करना है कहाँ नहीं करना है, पीपल वेयर हाईली डिटरमाइंड, है ना। तो इस बार हमने देखा कि 2020-21 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका मेन थीम या उसका फर्स्ट चैप्टर सेविंग लाइफ एंड लाइवलीहुड था। इट इज नॉट ओनली द सेंटिमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, इट इज ऑल्सो द सेंटिमेंट ऑफ एवरीवन इन इंडिया करंटली,
हम अब बस वही चाहते हैं कि भाई कैसे हम जिंदा रहें और कैसे हमारा लाइवलीहुड चलाए जैसे तैसे। अब हमारे जो एस्पिरेशन है हमने कुछ दिनों के लिए क्लोज करके रखे हुए हैं, तो इसे हमने यहाँ पे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कहा। एम्प्लॉयमेंट जो है उसका भी मैटर कुछ इसी तरीके का जो हमने अभी अभी देखा। बिसाइड्स इन्वेंटरी एक्यूमुलेशन, मतलब कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ अलग तरीके से पैसा जमा के रखा, कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी भी जमाया है, जैसे मेडिकल फील्ड के ऊपर एलिगेशन लगते हैं कि इन्होंने बहुत एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ किया हुआ है इन दिनों में। तो इसके अलावा ये फीचर्स हमें दिखाई दिए हैं, ये आरबीआई खुद रिकॉग्नाइज करता है। आरबीआई के इस आर्टिकल का बुलेटिन का नाम या टाइटल ही स्टेट ऑफ द इकोनॉमी है। इसमें उन्होंने आरबीआई ऑफिशियल्स के कुछ खास कमेंट हमें देखने को मिले हैं, वो है रिलेटेड टू डिमांड कंडीशंस, एग्रीगेट डिमांड कंडीशंस। तो उन्होंने कहा है कि पहले ही वेव जो आया था, फर्स्ट वेव जो आया था, उस फर्स्ट वेव में ही हमारे डिमांड्स के ऊपर बहुत बड़े बड़े तौर पे परिणाम हुआ है। अब हमें देखना है दूसरी एक चीज जिससे हमें डिमांड्स के बारे में पता चलता है एंड मार्केट एंड कंज्यूमरिज्म के बारे में पता चलता है, वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक वे बिल्स, है ना, ई वे बिल्स। तो बड़ा जो ट्रेड होता है, बड़े जो ट्रांजेक्शन होते हैं, वो जनरली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के तौर पे किए जाते हैं रिसेंटली पिछले 4-5 सालों में। तो ई बिल्स से हमें बहुत बड़े लेवल पे अंदाजा लगा कि इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि डबल डिजिट कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है 17.5% तक। मतलब डोमेस्टिक ट्रेड में जो कमी आई है वो लगभग कितनी आई है, 17.5% तक। इंटरस्टेट एंड इंटरस्टेट ई वे बिल की अगर हम लोग बात करें दो स्टेट के बीच में या फिर एक स्टेट के अंदर, तो लगभग 16.5% एंड 19% का डिक्लाइन ट्रेड के अंदर आया हुआ। तो व्यापार जो है वो लगभग 17.5% से कम हुआ है, स्टेट के बीच में लगभग 16.5 to 19% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला है व्यापार में। अभी आरबीआई ऑफिशियल्स अपने स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट में फिर से क्या कहते हैं, देखिए, सेकेंड वेव हैज सो फार हैड ओनली अ लिमिटेड इंपैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, साइटिंग 8.11% ग्रोथ इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो उनके अनुसार इंडस्ट्री पे असर नहीं पड़ा सेकेंड वेव का, ऐसा उन्होंने कहा। बाकी के व्यापार पे असर पड़ा है लेकिन इंडस्ट्री के ऊपर असर नहीं पड़ा। तो उन्होंने एग्जाम्पल कोट करते हुए कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इसका ग्रोथ रेट जो है लगभग 8.1%। ठीक है, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है हमने इस रिपोर्ट से देखी। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है कोविड-19 ईयर के ऊपर 2021 के लिए। उन्होंने हाउस होल्ड का जो इनकम है उसके ऊपर बात की है 2020 पीरियड की। उन्होंने कहा है कि हाउस होल्ड मतलब हमारा घरेलू इनकम जो है वो लगभग 22% से कम हुआ। ठीक है, इसमें हमने देखा कि जो बहुत गरीब घर थे, बहुत गरीब फैमिलीज जो थी, उनके यहाँ लॉस जो है वो बहुत बड़े लेवल पे हुआ। मतलब दे लॉस्ट एवरीथिंग, रिच हायर मिडिल क्लास, इनमें क्या हो गया, इनका इनकम रिड्यूस हुआ। लेकिन जो डेली वेजेस या बहुत गरीब लोग थे उनका सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका। ठीक है, ये बात अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से बाहर आई रिपोर्ट हमें बताती है। यूनिवर्सिटी का खुद का एक सर्वे है क्लिप्स नाम का, कोविड लाइवलीहुड फोन सर्वे, ऑन कॉल उन्होंने सर्वे किए, तो वहां से उन्होंने इंफॉर्मेशन लेकर एक रिपोर्ट हमारे सामने रखी। दूसरी एक रिपोर्ट आती है हंगर वॉच के नाम से, ये बहुत फेमस रही हंगर वॉच, क्योंकि पैंडेमिक पीरियड और उसके पहले भी 2018 में इन्होंने पहले ये सर्वे कराया था। तब उन्होंने, क्योंकि उस समय हमारा हंगर इंडेक्स में परफॉर्मेंस बहुत कमजोर आया 2017-18 में, तो ये रिपोर्ट आई थी, बड़ी पॉपुलर हुई हंगर वॉच रिपोर्ट। तो अभी इन दो रिपोर्ट्स में से हमारे सामने कंक्लूजन है, टू हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ लो इनकम पॉपुलेशन कटिंग बैक ऑन फूड इंटेक। पैंडेमिक का इतना बुरा असर हुआ है कि लोगों का खाने का जो अमाउंट है वो भी रिड्यूस हो चुका है, मतलब अब वो पेट भर के खाना तक नहीं खा सकते। ये बात हमारे सामने अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का क्लिप्स सर्वे के थ्रू हमें पता चला है। ठीक है, हंगर वॉच सर्वे शोड दैट 66% ऑफ सर्वेड हाउसहोल्ड हैड लेस टू ईट इवन 5 मंथ्स आफ्टर लास्ट ईयर्स लॉकडाउन। लॉकडाउन के 5 महीने बाद
लोगों की हालत ऐसी है कि लगभग 66% हाउसहोल्ड्स में लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। ये हमारे हंगर वॉच रिपोर्ट से, हंगर वॉच सर्वे से हमें पता चला है। अब हमें देखना है अर्बन एरियाज के इनफॉर्मल जॉब्स के बारे में। तो हम लोग देखते हैं कि जो इनफॉर्मल जॉब्स है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जॉब्स लाइक दे आर टेम्पररी इन देयर नेचर। तो इन टेम्पररी अनरजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स में हम लोग देख सकते हैं कि ज्यादा वल्नरेबल। क्यों ज्यादा वल्नरेबिलिटी है उसकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब्स की? क्यों? Even if a person is reduced from the job, removed from the job, where he will go? कहाँ जाएगा वो? भाई जिस कंपनी का नाम ही पता नहीं है गवर्नमेंट को, उससे जॉब में से आपको निकल दिया तो आप कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट के पास कुछ भी रजिस्टर्ड नहीं है उसका। ऐसे फिगर्स हमें मिलते हैं, इसीलिए इनफॉर्मल जॉब्स में वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब हमारे सामने एक रिपोर्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, 2019 से लेकर जो रिपोर्ट है उसके बारे में है। 535 मिलियन लेबर फोर्स इन इंडिया इन 2019, some 398 million will have poor quality jobs. मतलब जिनके जॉब है उनकी क्वालिटी कैसी है वो भी हमारे सामने प्रॉब्लम। तो 2019 के सर्वे से पता चला कि लगभग 80% एम्प्लॉयज जो है भारत के, उनकी जॉब क्वालिटी बहुत खराब है। ठीक है, ये सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के वाइज देखते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाइज जॉब इसमें सब कुछ देखा जाता है, जैसे वर्क कल्चर, वर्क प्लेस इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन, हेल्थ सिस्टम। हेल्थ देखो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में हेल्थ सिस्टम वगैरह होता है, हेल्थ सिस्टम एक्सेस होता है, इंश्योरेंस एक्सेस मिलता है ना, बहुत सारे प्रोविजंस मिलते हैं, बहुत सिक्योरिटी मिलती है। पुअर क्वालिटी जॉब्स एंड हाई इनफॉर्मेलिटी आर की फॉर द हाई लेवल ऑफ वर्किंग पुअर्स और दोज लिविंग ऑन इनकम ऑफ लेस देन ₹198 इन अ डे। तो जो लोग ₹200 से कम रोजी पे काम करते हैं उनके अंदर हमने देखा दो तरीके के रिस्क होते हैं, एक तो पुअर क्वालिटी ऑफ जॉब्स होता है, दूसरा इनफॉर्मेलिटी, मतलब इनफॉर्मल जॉब होता है उसका। तू आज से 3 बजे से आ जा, सर मैं कल कितने बजे आऊं वो पूछता है, क्योंकि उसका कोई टाइम फिक्स नहीं किया है, वो किसी भी लेबर कोड शेड्यूल में नहीं आता, उसका रजिस्ट्रेशन तो नहीं है लेकिन वो किसी भी लेबर कोड शेड्यूल में नहीं आता, तो उसका कुछ भी फिक्स नहीं होता, उसे कभी भी निकाला जा सकता है। अभी हमें क्या पॉलिसी इंटरवेंशंस की जरूरत है पैंडेमिक्स में और पोस्ट पैंडेमिक्स पीरियड में उसके बारे में। हाई एंड परसिस्टेंस इंसिडेंस ऑफ वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट आर रिफ्लेक्शन ऑफ नेचर ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ये जो इनफॉर्मेलिटी बढ़ रही है जॉब्स के अंदर और बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ लूजिंग जॉब्स, इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी इकोनॉमी है एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में, और ये ट्रांसफॉर्मेशन प्योरली इकोनॉमिक ना होकर स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें हमारे यहाँ बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, वेयर बाय कैपिटल एंड लेबर ट्रांसफर्स फ्रॉम लो टू हायर वैल्यू एडेड सेक्टर्स। तो हम लोग देखते हैं कि जो कैपिटल एंड लेबर ट्रांसफर है वो लोअर टू हायर वैल्यू सेक्टर्स की तरफ हो रहा है, मतलब लेबर का ट्रांसफर लोअर कैपिटल टू हायर कैपिटल, लोअर एम्प्लॉयमेंट टू हायर एम्प्लॉयमेंट, इस तरीके से हो रहा है। लेकिन इसके बीच में वल्नरेबिलिटी हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी का जो सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन अंडर पैंडेमिक, इसमें उल्टा हो रहा है। देखिए यहां पे हमने लिखा है लो टू हायर वैल्यू एडेड सेक्टर्स में जा रहे हैं हम लोग, यहां पे क्या कहा है हमने, लेकिन अभी के केस में देखिए क्या है। रिगार्डेड एज कैपिटल एंड लेबर आर मूविंग फ्रॉम लो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज इन सेक्टर टू अनदर सेक्टर, मतलब एक सेक्टर है जिसमें लो वैल्यू एडिशन, इससे ऐसे सेक्टर में लेबर एंड कैपिटल जा रहा है दूसरे सेक्टर में जहां पे लो वैल्यू एडेड सेक्टर है। मतलब लो वैल्यू एडिशन के लिए लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कैपिटल उस अमाउंट में नहीं, वल्नरेबिलिटी ज्यादा। हायर वैल्यू एडिशन के लिए आपको ज्यादा कैपिटल लगता है, ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, ज्यादा लेबर फोर्स या ज्यादा टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी पड़ती है। ऐसा है कि हम लोग कम इन्वेस्टमेंट में कम इनकम ही चाहते हैं, ज्यादा इनकम की अपेक्षा हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, ऐसा सिचुएशन हमारा है। इसीलिए जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मार्केट को इस तरीके से,
दिस लीड्स टू अ सिचुएशन वेयर लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड इज ऑफ पुअर क्वालिटी। इसीलिए इस फेज में जितने भी जॉब क्रिएशन होंगे उनकी क्वालिटी पुअर होगी क्योंकि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कम। ठीक है, अब देखते हैं सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ इंटेंसिफाइड ड्यू टू कोएग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग जॉब क्रिएशन। जैसे हमने देखा कि सर्विस इंडस्ट्री जो है उसमें ग्रोथ अभी भी हमें देखने को मिली, मतलब रिबाउंड जो है वो सर्विस इंडस्ट्री में। भारत के भारत में अगर हम लोग डिपेंडेंसी देखें तो एग्रीकल्चर के बाद सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर। दुनिया में जहां कहां सर्विस सेक्टर आज इवॉल्व हुआ है वहां पे एक अलग साइकिल चली। दे इवॉल्व एन एग्रीकल्चर, देन दे इवॉल्व इंडस्ट्री, माइनिंग एंड इंडस्ट्री, देन दे इवॉल्व टर्शरी सेक्टर और इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री। भारत में उल्टा हुआ है, मतलब एग्रीकल्चर इतना इवॉल्व नहीं हुआ, डिपेंडेंसी बहुत रही, लेकिन एकदम से फिर हम लोग इंडस्ट्री में ना जाकर डायरेक्टली सर्विस इंडस्ट्री में गए, मतलब प्रोडक्शन में ना जाकर सर्विस इंडस्ट्री में गए। तो यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिली कि यहाँ पे जॉब क्रिएशन जो है वो बहुत ज्यादा है और वो कहाँ पे है, आईसीटी में है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो हमने देखा कि इंफॉर्मेशन या आईटी सेक्टर में स्ट्रॉन्ग जॉब क्रिएशन क्यों है, मुझे बताइए क्या रीजन है कि इस समय अभी भी जॉब क्रिएशन वहां पे आपको देखने को मिलता है। डिमांड क्यों ज्यादा है? इकोनॉमिक सर्वे के बारे में अगर किसी को याद है तो बताइए, तो प्रॉपरली दिया है। Even during pandemics, the people working in all the sectors had to depend on work from home. School shifted on online mode. Classes shifted on online mode. That's why demand of these gadgets and all the IT sector increased. वो ट्रेंड तो था, लेकिन हमने इकोनॉमिक सर्वे में एक एनालिसिस ये देखा है कि ये बाकी के सेक्टर में बहुत डीप आया हुआ, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन 23.7% आया हुआ, लेकिन आईटी सेक्टर बढ़ा हुआ है ना। तो जब बाकी के सेक्टर में डिक्लाइन आया है तो आईटी सेक्टर में भी डिक्लाइन आना चाहिए था, लेकिन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लोगों का जो वर्क कल्चर है वो चेंज हुआ। आईटी सेक्टर का खुद का वर्क कल्चर चेंज हुआ ना, वहां पे सिर्फ जो स्किल्ड लेबर्स थे उन्हें सिर्फ इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में एंट्री मिली, बाकी हर जगह आपको वर्क फ्रॉम होम ही था। तो आपकी रिक्वायरमेंट बदल गई, हम लोग सोचने लगे भाई आंखों पे प्रेशर ना आए, हमारा स्क्रीन टाइमिंग तो ज्यादा है, तो हम लोगों ने अच्छे गैजेट्स परचेस करना शुरू किए। हमने नहीं सोचा कि चलो सैलरी तो आएगा, कम आएगा लेकिन आएगा, तो हम लोग चलो स्क्रीन के ऊपर खर्चा करते हैं, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। बच्चों को हम लोग मोबाइल देखने नहीं देते, टीवी देखने नहीं देते, अब तक है ना, अब स्कूल ही स्क्रीन के ऊपर है। तो फिर से हमारे दिमाग में आया कि यार इसमें रिफ्लेक्शन कम होना चाहिए, है ना, यूवी रेडिएशन कम होना चाहिए, तो चलो अच्छी स्क्रीन खरीदे, थोड़ा सा महंगा लेते, इसके ऊपर फैमिलीज ने इन्वेस्टमेंट किए, है ना। तो ये सब चीजें जो है जिसके कारण आईटी सेक्टर बना रहा। इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनल लो वैल्यू सर्विसेज, लो वैल्यू एडेड सर्विसेज, इसमें भी हमने देखा स्ट्रॉन्ग जॉब क्रिएशन। इसका रीजन हमने पहले भी देखा, क्योंकि लो वैल्यू एडेड सर्विसेज में आपको इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ता और कन्वेंशनली इसके अंदर जो वल्नरेबिलिटी है ज्यादा है इनफॉर्मल जॉब्स है, इसमें लेबर सिक्योरिटी के बारे में आपको सोचना नहीं है, इंश्योरेंस देना नहीं है, कुछ देना नहीं, तो इस एरिया में जॉब क्रिएशन ज्यादा हुआ। फोकस ऑन अर्बन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम शुड बी इन कोऑर्डिनेशन विद द लोकल गवर्नमेंट। सो अभी हमें कुछ और सोचना होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर अर्बन एरिया में हम लोग करते हैं तो इट शुड हैपन ऑन द कोऑर्डिनेशन विद द लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर कंप्लीटली रिलाय ना करके यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में हमारा जॉब क्रिएशन ज्यादा होना चाहिए। दूसरी चीज अगर हम लोग देखें तो हमारे सिटीज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। ये मॉडल
बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री ने यूज किया। जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा तो उन्होंने सोचा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक अलग से फील्ड डेवलप किया जाए, जिसमें जो भी पढ़े लिखे स्किल्ड लोग हैं उन्हें प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के लिए बुलाया जाए। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इश्यूज हो, टेक्निकल इश्यूज हो, है ना, सिविक इश्यूज हो, इन सब में जितने प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने स्किल्ड लोगों को बुलाया और इंसेंटिवाइज मोड पे उनको पैसे दिए, भाई आप सॉल्यूशन निकाला तो इतना पैसा, इतना परसेंट ज्यादा मिलेगा। तो ऐसे करके उन्होंने अपने लोकल गवर्नमेंट्स की हेल्प से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किए। वही मॉडल को देखकर मैंने यहाँ पे ये कोट किया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय कॉर्पोरेशन कैन इंक्लूड मोर एंड मोर लेबर पार्टिसिपेशन। आप आउटसोर्स कर सकते हैं, आउटसोर्सिंग तो ज्यादा है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या, अभी तो म्युनिसिपल क्या क्या कहते हैं, नगर परिषद जो होता है गाँव में, काउंसिल, वहां पे भी आउटसोर्सिंग हो रहा है, एनजीओ को आउटसोर्सिंग किया जा रहा है या सिविक ग्रुप्स को आउटसोर्सिंग किया जा रहा है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन कुड बी एनेबल्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ लोकल अलायंस, है ना, तो लोकल अलायंस किया जा सकता है। लोकल अलायंस में क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे लिखा है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, पहला तो आपका, आपने आपके एरिया से जिस प्रतिनिधि को चुना है वहां पे ट्रेड यूनियंस होंगी, है ना, ट्रेड यूनियन को पार्टिसिपेट किया जा सकता है, कुछ लोकल एंटरप्रेन्योर्स होंगे एंड कुछ कम्युनिटी ग्रुप्स होंगे, कम्युनिटी ग्रुप्स इन द सेंस सिविल सोसाइटीज जितने भी होंगे, उन सभी को अगर पार्टिसिपेट किया जाए तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन में आपको मदद मिल सकती है, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पॉलिसी मेकिंग का रीजनलाइजेशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग, इसका यूज करके हम लोग बहुत बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट को बचा सकते हैं। अभी हमारे एरियाज अगर देखें हम लोग डिविजन्स वाइज अगर देखें तो हर एरिया का जॉब डिमांड अलग होता है, हर रीजन का जॉब डिमांड जो होता है अलग होता है। कुछ रीजन ऐसे होते हैं कि वहां का अर्बन एरिया जो है वो बहुत कम है और उसके सराउंडिंग में रूरल एरिया बहुत बड़ा है, वहां का एम्प्लॉयमेंट एस्पिरेशन एग्रीकल्चरल हो सकता है, इंडस्ट्रियल हो सकता है, सर्विस हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेट किया जा सकता है या पॉलिसी डिसीजन उसका किया जा सकता है। तो मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक पॉलिसी डिसीजन होना चाहिए, वो रीजनल लेवल पे किया जाना चाहिए। इसमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जाए इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि लोकल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी डेवलप की जा सकती है जिसके तहत वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ाया जा सकता है। जैसे हम लोग देखें कि देयर आर फ्यू एरियाज वेयर द प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट इज मोर, तो कोकोनट बेस्ड इंडस्ट्रीज को वहां डेवलप किया जा सकता है। अगर हम बड़ी इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते तो हम लोग जैसे गृह उद्योग है, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनके बेसिस पे इसको डेवलप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे यहाँ इतना बड़ा प्रोडक्शन है ना, कोकोनट का प्रोडक्शन इतना ज्यादा है, लेकिन हम लोग कोकोनट ऑयल कहाँ के खरीदते हैं, यूरोप में बने हुए, चाइना में बने हुए, यहां से रॉ मटेरियल खरीदते हो, प्रोसेस करके हमें ही बेचते हैं। तो ऐसे कुछ अप्रोचेस है जो हम लोग डेवलप कर सकते हैं। हमारे यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ा रोल होता है ना, एक बहुत ड्यूअल रोल होता है गवर्नमेंट का, एक तरफ उसे पब्लिक वेलफेयर करना है, मतलब जो गरीब है जो महंगी चीजें खरीद नहीं पाते उन्हें सोशल गुड्स प्रोवाइड करना, इसमें एजुकेशन आया, हेल्थ आया, ये इनका काम होता है, इसे हम लोग वेलफेयरिस्ट रोल ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं। दूसरे साइड में उसे FDI, FII, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दोनों को पेश करना होता है, उसे एक तरफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है और दूसरी तरफ उसे बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है ताकि यहाँ पे बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स बढ़े। तो जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हम लोग पेश करते हैं तो हमारे सामने कैपिटल एंड लेबर का एक रिलेशनशिप होता है, उसे डिजाइन करना बहुत जरूरी है। कोई गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पेश करने के लिए कैपिटलिस्ट को ज्यादा बार्गेनिंग पावर देने की कोशिश करता है। अगर हमें बैलेंस ऑफ बार्गेनिंग पावर मेंटेन करनी है तो गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा। देखो निक्सन थैचर मॉडल बहुत पॉपुलर रहा, जो निक्सन ने अमेरिका में और मार्गरेट थैचर ने यूके में यूज किया। मार्गरेट थैचर के मॉडल को बहुत क्रिटिसिज्म देखना पड़ा, बहुत क्रिटिसाइज हुआ, लेकिन उसकी पॉलिसी में एक खास बात थी,
जो लेबर कोड उसने लाए थे कुछ हद तक कंट्रोवर्शियल माने गए, लेकिन उन लेबर कोड्स में लेबर के वेलफेयर के लिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स थी वो टर्म्स इन द फेवर ऑफ लेबर बनाई गई। उनका एक कमेंट था, व्हेन आई ऑप्टेड फॉर प्राइवेट सेक्टर एज अ प्राइम मूविंग फोर्स माय मेन फोकस वाज द ड्राइविंग ऑफ कैपिटल विद इन द सर्कल ऑफ एम्प्लॉयज। मैं अपने एम्प्लॉयज के बीच में उस कैपिटल का यूज कैसे करूं, ये मेरा मेन थिंकिंग था, ये मेरा मेन थ्योरी। ठीक है, उनका एक मूवी भी आया है आयरन लेडी के नाम से, उसमें डिस्कशन दिखा है वो शी इज सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट हर डिसीजंस। उसमें दिखा है कि पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड मतलब आफ्टर हर टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर वो कुछ इमेजिनेशन करती है, कुछ चीजें उसे दिखाई देती है, ऐसा दिखाया है उसमें। थोड़ा सा लो एंटरटेनिंग है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कभी टाइम मिला तो। आयरन लेडी के नाम से है। तो लेबर एंड कैपिटल का रिलेशन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे सेट करना या उसे फैसिलिटेट करना, ये हमारे सामने मेन रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का जब वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पेच करेगा। ठीक है, एंटरप्राइज फॉर्मेशन नीड्स टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी। इसके लिए गवर्नमेंट अलग से एंटरप्राइज फॉर्म कर सकती है। तो हमारे यहाँ एंटरप्राइजेस के लिए एक नया एक अलग से स्कीम हमने 1991 ऑनवर्ड्स बनाया है ना। Whoever is investing in India, like a multinational company is investing in India, it will have around 49% of the stakes. और जो 51% stakes रहेंगे वो हमारे local player के। तो ये एक investment model हमने बनाया। ठीक है, इसी तरीके के कुछ enterprises हम लोग बना सकते हैं directly. Investment model नहीं, directly हम लोग enterprises बना सकते हैं जिसमें दोनों के investment हो, local player के investment हो, मल्टीनेशनल कंपनी के इन्वेस्टमेंट हो, और जिसमें लेबर का जो बार्गेनिंग पावर है वो गवर्नमेंट खुद बढ़ा है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि लेबर्स रजिस्टर्ड, वही मेन समस्या है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ाएंगे कैसे, है ना। तो अगर आपको लेबर को एम्पावर करना है तो उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ानी है, बार्गेनिंग पावर बढ़ानी है तो उसका रजिस्टर होना जरूरी है। वो रजिस्टर तब होगा जब उसके पास स्किल्स होंगे, तभी होंगे जब हम लोग स्किल यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश करेंगे, स्किल स्कूल्स को ओपन करेंगे। तो स्किल यूनिवर्सिटी आपने अर्बन एरिया में बना के रख दी, यहाँ का लोकल रूरल लेबर वहां नहीं जाएगा। इसके लिए आपको लोकल रूरल एरिया में भी ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे स्किल्स स्कूल्स आपको शुरू करने होंगे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजी है जो गवर्नमेंट जिसमें जा सकता है। अब देखते हैं एसएमई सेक्टर। आपने देखा कि एसएमई सेक्टर में लगभग 48% सेक्टर ऐसा है जो अनऑर्गेनाइज्ड है ना, लेकिन इसमें लेबर पार्टिसिपेशन रेट अगर देखा जाए तो काफी अच्छा है। मतलब लेबर की या वेज डिपेंडेंस जो लोगों का है भारत के, वो एसएमई सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा है, लेकिन एसएमई सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, अगर आप सोशल इंक्लूजन की बात करते हैं, सोशल इंक्लूजन लगभग 47% ओनर्स एसएमई सेक्टर के बिलोंग्स टू ओबीसी सेक्शन, 47%। मतलब यहां आपको इंक्लूजन भी दिखाई देता है एसएमई सेक्टर में, लघु उद्योग जिसे हम कहते हैं, इसमें बड़े लेवल पे इंक्लूजन भी है, लेबर पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है। एक खास बात आपको इसमें और देखने को मिलती है, इसमें वुमेन पार्टिसिपेशन रेट, वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेट अच्छा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आप यहाँ के माइंड में जाकर देखिए, वहां आपको देखने को मिलेगा कि केक की इंडस्ट्रीज हैं, पेस्ट्री, केक, बिस्किट्स, इसकी इंडस्ट्री, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, और इसमें ना वो कंपनी का बोर्ड लगा है ना कुछ लगा है, रजिस्टर्ड ही नहीं हो, रजिस्टर्ड ही नहीं है, ना वो टैक्स पे कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, उनके यहाँ लेबर कितने किसी को पता नहीं। तो इस तरीके से वो काम चला रहा है। तो यहाँ पे जो लेबर प्रोटेक्शन होना चाहिए या लेबर राइट्स का माहौल होना चाहिए या अच्छा वर्क कल्चर होना चाहिए, सिक्योर वर्क कल्चर होना चाहिए, वर्क प्लेस होना चाहिए, ऐसी कोई भी चीज आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो गवर्नमेंट खुद यहाँ पे जो लेबर की बार्गेनिंग पावर है वो खुद बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। यहाँ पे इंटरवेंशन गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम देखें कि अर्बन एरिया में लॉकडाउन पीरियड में खास करके
कौन से जॉब चल रहे थे, है ना? तो ज्यादातर जॉब्स वो चल रहे थे जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, लाइक मेट्रो, हमारे यहाँ मेट्रो कॉर्पोरेशन, पुणा, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटी चल रहे थे जिसमें लेबर लोगों को काम मिल रहा था। तो आपने देखा होगा कि भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट चलाया गया है लगभग कितना 11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया था, लॉकडाउन 2020 में उसको डिक्लेरेशन दिया था। इसका पर्पस ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी मिले, ठीक है? तो इससे ग्रोथ जो है वो परसिस्टेंट रखी जा सकती है। तो हम लोग कहते हैं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो बहुत कम ना हो, इसका रीजन ये है that fiscal deficit is very low, it is considered that government is not spending on infrastructure, and when government is not spending on infrastructure, it is assumed that job creation is not there. हमारे यहाँ देखिए ग्रोथ रेट काफी अच्छा रहा, लेकिन इसे हम लोग क्या कहते हैं, जॉबलेस ग्रोथ, है ना? इसका रीजन ये है कि जो जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आया है वो सेक्टर लेबर इंटेंसिव नहीं, आईटी सेक्टर भी लेबर इंटेंसिव नहीं है, ये टेक्नोलॉजी ड्राइवन है, ये टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है। जिस दिन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आएगा इसमें जॉब लूज हो जाए, कम हो जाए या सैलरीज कम हो जाए, जो स्किल्ड लोग हैं अभी उनका बार्गेनिंग पावर और कम होगा जब टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी, है ना? क्योंकि आपने देखा है कि जब जितने भी सेक्टर्स है टेक्नोलॉजी ड्राइवन इंडस्ट्री है उसकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री जो है वो है ऑटोमेटेड इंडस्ट्री, वहां पे ऑटोमेशन बढ़ते जा रहा है। जैसे हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर इन एशिया इट इज स्टील लेबर इंटेंसिव, ऑटोमोबाइल सेक्टर इन यूरोप एंड अमेरिका इज नॉट लेबर इंटेंसिव, है ना? दे आर हैविंग ऑल काइंड ऑफ ऑटोमेशन। कुछ बड़ी कंपनीज होती है, जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए लेंगे कि मर्सिडीज होती है, मर्सिडीज कंपनी भारत के लिए एग्जांपल बहुत बड़ा पॉपुलर है, रॉयल एनफील्ड, वो अपना कोई भी काम आउटसोर्स नहीं करते, रॉयल एनफील्ड हैंडमेड है, पता है ना आपको, हाथ से बनाया गया है, सब कुछ हाथ से किया गया है। तो ये लेबर इंटेंसिव क्योंकि ये मैन्युअली किया जाता है, मैन्युअली बनाया जाता है। बड़ी कंपनीज जो है वो मैन्युअली सब काम करती है और उसमें लेबर, वो ज्यादातर लेबर इंटेंसिव होती है, लेकिन कुछ जो है वो हाईली मैकेनाइज्ड है, आउटसोर्स करती है, डोर तुम बनाओ, पैनल्स तुम बनाओ, बॉर्नेट तुम बनाओ, इंजन किसी दूसरी कंपनी। भारत में फिलहाल जितनी मिडिल रेंज कार्स है अभी जो 20 लाख 25 लाख तक मिलती है, इन सभी कार्स में हम लोगों ने देखा है अलग अलग कंपनी है लेकिन एक ही कंपनी का इंजन यूज होता है। There are very few company who are making their own engines, like Audi अपना इंजन बनाएगा, Honda अपना इंजन बनाएगा, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, मारुति सुजुकी जो है वो भी एक इंजन, टाटा वही इंजन यूज करें। तो हम लोग देख सकते हैं कि हर बार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो बूमिंग पे है वो खुद लेबर इंटेंसिव नहीं, धीरे धीरे आईटी सेक्टर भी ऐसी हो जाएगा वो लेबर इंटेंसिव नहीं है, तो इसमें जॉब लॉस बहुत बड़े लेवल पे डेवलप हो जाएगा। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। लेबर इंटेंसिव अप्रोच टू बिल्डिंग म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव, हमें देखा है कि जैसे मेट्रो कॉर्पोरेशन में जो काम चल रहा है वो उसमें मैकेनाइजेशन भी बहुत बड़े लेवल पे यूज किया, तो इसको क्रिटिसाइज करते हुए कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा, जीन ड्रेज़े, उनका एक कंसेप्ट था कि उन्होंने कहा कि जितना भी गवर्नमेंट आए, इन्वेस्टमेंट आए, गवर्नमेंट एक कंडीशन रखे कि वो लेबर इंटेंसिव हो या मैन्युअली किया जाए ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। जिन ड्रेसे के बारे में आपको पता होगा, बहुत काम किया है भारत में, फायदा बेल्जियम में हुए, वो लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में रहे, प्रोफेसर रहे, रिसर्च वर्कर के तौर पर बहुत सारी जगह पे काम किया, भारत में आकर मार्जिनल सेक्शन पे काम किया, भारत में आकर मार्जिनल सेक्शन के साथ काम किया। उन्होंने जो बुक्स लिखे हैं, ही वॉज को ऑथर विद अमर्त्य सेन, was co-author with Esther Duflo, was co-author with Abhijit Banerjee, ऐसे लोगों के साथ co-author रहे, इतना बड़ा आदमी, he lives with marginal people, और किस चीज के लिए popular है ना, वो कहीं भी जाते हैं, किसी project के लिए जाते हैं या किसी social project के लिए जाते हैं, तो वहाँ जो beneficiaries होते हैं ना, उन्हें कैसे खाना खिलाया जाता है, आप नीचे बैठो और खाना खाओ, उनके साथ बैठकर खाना खाओ,
बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है, 2002 में इंडियन सिटीजनशिप लिया हुआ। इन दैट पीरियड इन 2004 ही वाज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। लेटर ऑन ही वाज अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू प्लानिंग कमीशन। करंटली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही वाज आउट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट कमीशंस, एंड रिसेंटली लास्ट मंथ ओनली ही वाज अपॉइंटेड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक एडवाइजरी। इकोनॉमिक एडवाइजरी में जो 5-6 लोग मिले उनमें से एक जेनरल से है, तो उनके जो ओपिनियन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने यही मॉडल रखा था कि जो जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट लाओ नो डाउट, लेकिन जो भी काम कराते हैं वो लेबर इंटेंसिव है, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। आप लोग अगर कन्विंस कर पाए किसी इन्वेस्टर को कि मैन्युअल वर्क ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, तो शायद सर्विसेस हमें भी कम पैसे में मिले, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट गुड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये अभी हमने बात की कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ लो कॉस्ट हाउसिंग इज अनदर एक्टिविटी दैट कैन बी कैरिड आउट यूजिंग लेबर इंटेंसिव मेथड। एक तेलंगाना में एक इंजीनियर है, मतलब एक आर्किटेक्ट है, गर्ल आर्किटेक्ट, शी यूज्ड जो पाइप्स होते हैं ना, हमारे बड़े वाले पाइप्स होते हैं, है ना, उसका यूज करके घर बनाया। तो एक्चुअली सच काइंड ऑफ मॉडल्स आर ऑलरेडी देयर इन स्वीडन। स्वीडन में ऑलरेडी इस टाइप के मॉडल्स हमें देखने को मिले हैं। उन्होंने इसी तरीके से घर उस पाइपलाइन से बनाए थे, गरीब लोगों के लिए जो घर बनाए उसी पाइपलाइन से बनाए। उन्होंने बहुत बड़ा कॉलोनी वहां पे सेटल किया। इसके बाद में ट्रेंड आया, फिर लोगों ने बड़े पाइप के घर, बहुत बड़े बड़े पाइप के घर बनाए, फिर दो फ्लोर इस टाइप के घर बनाना शुरू किया। वहां पे ट्रेंड शुरू हो गया। वो तो वही मॉडल तेलंगाना में यूज करने की कोशिश की। अभी उन्होंने वो मॉडल दिया और तेलंगाना गवर्नमेंट ने उस मॉडल को अप्रूव किया रिसेंटली। से बहुत सारे इनोवेशन जो है वो हाउसिंग के लिए किए जा सकते हैं। लो कॉस्ट हाउसिंग अगर आपको चाहिए, ऐसे एरिया से आप लेबर्स को ला सकते हैं जिनको किसी भी तरीके का एम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं मिलता। देखो नागपुर रीजन, विदर्भ रीजन में जो जो बिल्डर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो कैसे बढ़ा। बालाघाट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई था, ट्राइबल्स थे मोस्टली, कोई जॉब नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। और बहुत सारे माइनिंग एक्टिविटी वहां पे शुरू हुए लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिले, वो लोग सिटी की तरफ आए, है ना, कुछ भी काम कर लेते, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया, वो सैलरी नहीं दी। आप जितने दिन काम करोगे, ये बिल्डिंग में 2-4 कमरे पहले बना लो नीचे के, उसमें आप रहो और ऊपर का कंस्ट्रक्शन शुरू करो। रहने खाने में आप खाना दे देते, 2 टाइम का खाना। इतने में वो लोग बिल्डर्स के साथ एसोसिएटेड रहे, 10-10 साल तक उन्होंने काम किया, 10 साल 15 साल, किसी की एक जनरेशन पूरी उसके साथ काम करने में गई, उनको कोई भी कॉस्ट नहीं पड़ा। उन्होंने पूरी तरह से मैन्युअली कंस्ट्रक्शंस करवा, लेबर इंटेंसिव काम करवा। ये भी एक मॉडल था, हालांकि एक्सप्लॉयटेशन इसमें भी हुआ है, लेकिन ये एक मॉडल के तौर पे लिया जा सकता है। अगर अच्छे से इंसेंटिवाइज किया जाए तो कॉस्ट कम हो सकता है। तो हाउसिंग हमारे सामने चैलेंज है, क्योंकि देखो अर्बन एरिया में हाउसिंग एक बड़ा चैलेंज क्यों है, क्या लगता है आपको? जैसे यू नो दैट मेनी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लाइक पुलिस इन मुंबई, मुंबई पुलिस, पीपल एम्प्लॉयड इन मुंबई पुलिस आर नॉट गेटिंग हाउसेस, दे आर स्टिल लिविंग इन रेंटल, रेंटेड हाउसेस, एंड रेंटेड हाउसेस आर टू कॉस्टली। क्या प्रॉब्लम है? स्पेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेस कम है और रेट बहुत हाई है, है ना। आप वर्टिकल ग्रोथ इतनी नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर कैप्स लगाए गए हैं, है ना, रेट कैप्स भी उसके ऊपर है, ये सब इश्यूज हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जिस अर्बन प्रोजेक्ट की कॉस्ट ज्यादा होती है उसे पॉलिसी इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलता है, पॉलिसी इंपॉर्टेंस। मतलब अगर आपने मेट्रो प्रोजेक्ट लाया, मेट्रो प्रोजेक्ट की कॉस्ट अगर समझिए 50,000 करोड़ है, तो यहाँ की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कोई भी पॉलिसी लाएगी वो उसी डायमेंशन में लाएगी, उसके फेवर में लाएगी, ताकि उसको फेवर मिले। नहीं, यहाँ से 2 रोड थे वो कट कर दो, उनको बंद कर दो, इसको डाइवर्ट कर दो, यहाँ पे मेट्रो प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से पॉलिसी डिसीजंस को भी चेंज करने की कैपेसिटी उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट में होता है, ठीक है। फोर्थ एलिमेंट कुड बी एन इमीडिएट launch of an urban employment scheme oriented towards building large scale medical health and sanitation infrastructure. ye abhi ho sakta hai ki hamare paas school ki kami hai urban area mein,
हमारे पास हॉस्पिटल्स की कमी है अर्बन एरिया में अंडर पैंडेमिक स्पेसिफिकली, और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे पास कमी है। तो इस एरिया में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकते हैं। तो ये एरिया है जो हाईली एक्सप्लोर्ड एरिया अभी बना हुआ है, ठीक है। मेडिकल फील्ड में पब्लिक हेल्थ को वाइड करने के बजाय हेल्थ केयर सिस्टम को वाइड करने की कोशिश चल रही है। इसमें आपको पता होगा नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे हैं, नर्सिंग का ट्रेनिंग लो और आपको गारंटेड जॉब, इस टाइप का इंश्योरेंस दिया जा रहा है। इसके बाद हमारे सामने चैलेंज है एसेंशियल सर्विसेज के नेटवर्क का, है ना। अभी अभी आपने देखा कि सेकेंड वेव में एक कंपल्शन लगाया गया था कि जो वेंडर्स हैं रोड वेंडर्स उनका काम बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको कंपल्सरीली डिलीवरी सर्विस देनी पड़ेगी, ये कंपल्शन किया गया। लेकिन हमने देखा कि बहुत बार ये सर्विसेज बहुत एक्यूट मैनर में चली, मतलब हमने जब कॉल किए तो बताया कि नहीं सर लड़का नहीं है, अभी दोपहर को भेज देता हूँ, शाम को भेज देता हूँ। मेडिकल शॉप्स को भी ऑर्डर्स दिए गए कि आपको मेडिसिन घर में पहुंचाना है, लोग मांगेंगे आपको घर में पहुंचाना है, अगर आपकी कंप्लेंट आई तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपको मेडिसिन घर में पहुंचानी। ये कंपल्शन सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाए थे, लेकिन हमारे पास देखा कि अभी तक वो फैसिलिटीज नहीं पहुंचे। तो ये एक एरिया है एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जा सकता है। दूसरी चीज अभी ये चल रही है कि एक डिमांड, जैसे मैंने कहा जीन ड्रेसे का एक डिमांड था ड्यूएट में कि डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग्स, इसे ड्यूएट स्कीम कहा गया है। तो उन्होंने कहा गया ऑन द सिमिलर लाइंस, मगर नरेगा के सिमिलर लाइंस पे हम लोग एक अर्बन एरिया एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ला सकते हैं, ऐसी कोई स्कीम अर्बन एरिया में भी लानी चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि अगर ये स्कीम लाई गई तो लेबर पार्टिसिपेशन रेट वुमेन का जो है वो एकदम से बढ़ाया जा सकता है। आपको एक बात पता होगी कि रमेश सिंह में भी दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन, अगर हम वुमेन का लेबर पार्टिसिपेशन रेट 50% के ऊपर लेके जाते 50% के ऊपर, तो हमारा टोटल ग्रोथ रेट जो है जीडीपी का वो 12% तक जा सकता है, ये प्रेडिक्शन किया हुआ है। तो इंक्लूजन एंड लेबर पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू जिन रेजे जो है वो अर्बन एरिया का वुमन लोकल फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो बढ़ा सकता है, और उससे हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, ग्रोथ भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उसकी कंडीशन मगर नरेगा जैसी ही, कुछ एनालिस्ट का कहना है कि इसकी क्या गारंटी है कि उसकी हालत मगर नरेगा जैसी नहीं होगी। तो देखिए मगर नरेगा में क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में बता सकते हैं, उसके पॉलिसी में कुछ प्रॉब्लम है, इंप्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम है, बता सकते हैं आप? हाँ, वन ईयर का है, आपने एनरोल किया वो एक साल के लिए है आपके पास, अगले साल आप अनएम्प्लॉयड। और दूसरा कुछ कैसे, मुझे पूरा कंसेप्ट चाहिए। Exactly. हमने 2015 में देखा था, हमारा नया गवर्नमेंट आया था और उस समय एलिगेशन था कि दिस इज एक्चुअली द सिंबल ऑफ फेल्यूर ऑफ प्रीवियस इंडियन गवर्नमेंट्स। मगर नरेगा क्या है कि एक फेल्यूर का सिंबल है कि लोग अनएम्प्लॉयड है, तो आपने अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए कुछ भी स्कीम शुरू कर दिया, आपने उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, आपने फालतू का स्कीम शुरू कर दिया, इस तरीके के एलिगेशन लगाए। Resultantly in 2015 they reduced the allocations for MGNREGA and the reduction was by 15%, 15% से reduction किया गया allocation। इसका effect 2017 में देखने को मिला कि जैसे आपने MGNREGA का allocation कम किया, लोगों को पास पैसा नहीं गया, तो जो हमारी rural demand थी, rural and semi-urban industries जो है एकदम से down हो गए। तो हमें देखने को मिला कि भाई growth rate में fall आया। 2017 onwards गवर्नमेंट ने बजटरी एलोकेशन 35% से बढ़ाया मगनरेगा की। तो हमें एक बात तो पता चली कि वी विल हैव टू कीप ऑन इंक्रीजिंग द रूरल डिमांड्स। अगर आपको ग्रोथ रेट सस्टेन कराना है तो आपको रूरल डिमांड बढ़ा के रखें।
अब रूरल डिमांड बढ़ाने के लिए मगनरेगा जैसा इंटरवेंशन कहां तक सक्सेसफुल होगा? ये तब सक्सेसफुल होगा जब मगनरेगा की हेल्प से हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और किसी तरीके से सैनिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। अगर हम ये तीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं मगनरेगा की हेल्प से तो हमारे लिए बेनिफिशियरी है, अदरवाइज कुछ नहीं। दूसरा एक टॉपिक मगनरेगा से लिंक्ड आएगा, राइट टू वर्क, उसमें फिर से ये रेफरेंस आएगा, ठीक है? तो वो हमारे लिए इजी हो गए। और कुछ लूप होल है मगनरेगा की इंप्लीमेंटेशन की, वो बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इंप्लीमेंटेशन इज नॉट डन एट प्रैक्टिकल लेवल, है ना? द मनी इज गेटिंग साइफंड ऑफ। पॉलिटिशियंस को कैसे मैनेज करते हैं, बहुत सफाई के साथ करते हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि पीपल आर नॉट सो अवेयर अबाउट दिस। आफ्टर इंट्रोडक्शन इन 2004 इट वॉज वेरी पॉपुलर, नो, बहुत पॉपुलर थी, क्योंकि मिनिमम पेंशन की स्कीम लाने के बारे में भारत सोच रहा था, पार्शियली शुरू करने के बारे में सोच रहा था। और जब बताया गया कि ये फिजिबल नहीं है, तब इसको सब्स्टिट्यूटरी लेवल पे लेकर आए थे कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ मिनिमम पेंशन हम मगनरेगा लेकर आए। बड़ा पॉपुलर था 2008 2009 इस ईयर तक ये बड़ा पॉपुलर रहा, और उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी एकदम से डिक्लाइन। पीपल वेयर नॉट अवेयर, इवन द यूथ इन रूरल एरियाज नॉट अवेयर अबाउट दिस, ठीक है? मगनरेगा कैन बी एक्सपांडेड बाय इंक्रीजिंग द बजेटरी एलोकेशन एंड द गारंटीड मिनिमम नंबर ऑफ डेज फॉर वर्क। जैसे अभी 100 डेज का है, इसे बढ़ाया जा सकता है, इसे भी बढ़ाया जाए, और उसका बजेटरी एलोकेशन अगर बढ़ाया जाए तो ये भी एक ऑप्शन है जिसके बेसिस पे कुछ दिनों तक एटलीस्ट हम लोग हमारे पैंडेमिक पीरियड तक एम्प्लॉयमेंट बना के रख सकते हैं। एक फिर से बात मैंने आपको बताई थी मगनरेगा के बारे में कि नक्सल्स एंड अदर एक्सट्रीमिस्ट पावर्स दे नेवर अपोज्ड मगनरेगा। क्यों? तुम दोगे पैसा? लोग पूछते हैं वो बंद करवाओगे, पैसा कौन देगा, तुम दोगे, है ना? तो बहुत सारी एक्सट्रीमिस्ट बॉडीज, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो वहां पे बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उल्फा, उल्फा के बारे में सुना होगा ना, क्या कहते हैं, यूनाइटेड लिबरेशन फंड ऑफ असम, है ना? उल्फा, बहुत सारे, अभी नाम नहीं याद आ रहे मुझे। वहां पे कल करीब 23 to 24 ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वेपन्स यूज करते हैं, लोगों को किल, एक दूसरे को किल करने में लगे रहते हैं। तो नक्सल्स की तरह इतने जो एक्सट्रीमिस्ट है वो सभी इसको विरोध नहीं करते। अब मैंने इसका रेफरेंस इसलिए दिया क्योंकि वो बाकी के गवर्नमेंट स्कीम्स का विरोध करते। अगर आप नक्सल अफेक्टेड एरिया में जाए तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर वहां जाने से डरता है, क्योंकि वहां गवर्नमेंट का इंटरफेस उन्हें नहीं चाहिए। लेकिन मगनरेगा जब इंप्लीमेंट किया जाता है तो वो उसका विरोध नहीं करते। बात साफ है कि दे वांट पॉपुलैरिटी, उन्हें सपोर्ट चाहिए लोगों का। देखो, गवर्नमेंट हो या कोई एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो कभी भी पब्लिक सपोर्ट चाहते। आप एंशियंट टाइम्स में देखिए, जब किंग्स हमारे यहाँ थे, मोनार्की थी हमारे यहाँ, रूलर्स थे, या मेडिएवल टाइम्स में देखिए, हर किसी को सपोर्ट चाहिए था लोगों का। इवन व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज इन इंडिया, उन्होंने कुछ ऐसे स्कीम चलाए जिसके बेसिस पे उन्होंने लोगों का सपोर्ट पिच करने की कोशिश की। उन्होंने मिशनरी लाई थी, मिशनरी के थ्रू उन्होंने लोगों का सपोर्ट बनाए रखने की कोशिश। तो विदाउट पब्लिक सपोर्ट कोई भी भारत में या किसी भी देश में रूल नहीं कर सकता। जॉब लॉसेस अगर हम अर्बन एरियाज के देखते हैं कोविड 19 पीरियड में, तो इससे जो सिटी ड्वेलर्स थे, मतलब अर्बन रूरल एरिया में जो लोग थे, जो अर्बन एरिया में माइग्रेट हुए, उनका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया उसे कि मुझे जॉब मिल सकता है। लॉकडाउन वन में उसका जॉब चला गया, लॉकडाउन टू में उसे जॉब नहीं मिल रहा, अब उसे लगता है कि जॉब मिलना मुश्किल है। तो ऐसे पीरियड में हो सकता है मगनरेगा इफेक्टिव रहे, अगर अच्छे से इंप्लीमेंट करें, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करें। 2017 से 2017-18 का जो पीरियोडिक लेबर अपोज सर्वे है, उसमें हमें पता चलता है कि भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लगभग 6.1% तक गया था। इसे ऑल टाइम हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहा गया था। तो हमने इसके पहले ही कंक्लूजन निकाला है कि जॉब लॉसेस नहीं थी, जिनको जॉब मिले उनके रिटेन थे, लेकिन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो था वो एकदम से डिक्लाइन हो गया था, मतलब नए जॉब जनरेट नहीं हुए, ठीक है?
In 2018, there were 471.5 million persons employed and 30.9 million unemployed in India. 2018 में हमारे पास 471 मिलियन लोग एम्प्लॉयड थे और 30.9 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड थे. अनएम्प्लॉयड मेन एजेड 15 टू 29 इयर्स कंप्राइज 21.1 मिलियन और 68.3 ऑफ ऑल अनएम्प्लॉयड इन द कंट्री. तो अनएम्प्लॉयड रेट में मतलब अनएम्प्लॉयमेंट में अगर हम लोग देखें तो 15 टू 29 एज ग्रुप के लोगों का पार्टिसिपेशन कितना है 68.3%. मतलब कौन आने एम्प्लॉयड है ज्यादातर यूथ ज्यादातर अनएम्प्लॉयड. अब एग्रीकल्चर का देखते हैं. अगर हम 2018 की बात करते हैं 2005 टू 2018 नाउ दिस इज अबाउट डिकेडल स्टडी. एक पूरा दशक का हमें स्टडी करना है. तो एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कफोर्स कितना है उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें डिक्लाइन दिखाई देता है. तो 2005 में हमें दिखाई देता है 258 मिलियन पीपल वेयर एंगेज इन एग्रीकल्चर. 2018 में वो नंबर आया 197 मिलियन में. बहुत बड़ा फर्क इसमें आया. विच स्टिल अकाउंटेड फॉर 41.9% ऑफ टोटल वर्कफोर्स इन द कंट्री. मतलब इतना कम होने के बाद भी 197 मिलियन होने के बाद भी भारत के टोटल वर्कफोर्स में उसका नंबर कितना है 42% के आसपास. मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी अभी भी ज्यादा है. अब हमें दिखाई देता है कि जो डिक्लाइन है उसका पहला तो रीजन ये है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हमारी कम हुई. ये एक रीजन है. दूसरी चीज है 1990 ऑनवर्ड्स जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में आया वो भी कम था. पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है एग्रीकल्चर के ऊपर वो कम था. ये दो रीजंस थे जिसके कारण 1990 ऑनवर्ड्स एग्रीकल्चरल जॉब लॉसेस हमें देखने को मिले. एग्रीकल्चर में कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना शुरू हुआ ऐसा हमें पता चला. तो हमने देखा कि जो एलपीजी के बाद ग्लोबलाइजेशन के बाद हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या हुआ. कोई बता सकता है ग्लोबलाइजेशन के बाद एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ है? एग्रीकल्चर की डिमांड बढ़ी. तो फूड प्रोडक्शन का फूड का डिमांड बढ़ा है. हमारा फूड ग्रेन का डिमांड जो है वो बढ़ा हुआ है. एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑफ ग्रेन वॉज कल्टिवेटेड. फ्रूट फार्मिंग वो बड़े लेवल पे आया. मोनोक्रॉपिंग हमारा फिर से स्ट्रॉन्ग हुआ. ठीक है. और ये भी हुआ है. तो सबसे पहली बात है इमर्जेंस ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर है ना. इंटेंसिव फार्मिंग जो है वो पहले भारत में डेवलप हुआ 1990 ऑनवर्ड्स वो बढ़ा. दूसरी चीज इसमें आई कॉर्पोरेट सेक्टर एंटर्ड इनटू फार्मिंग है ना. रिलायंस फ्रेश है ना. मतलब आप मॉल्स में जाते हो आपको वहां पे आजकल वेजिटेबल्स मिलते हैं और वो भी कंपनी के ब्रांडेड मिलते हैं. ब्रांडेड वेजिटेबल्स आपको मिलते हैं. ठीक है. ये दूसरी चीज हुई. तो इससे एक फिर से एक बड़ा बदलाव आपके क्रेडिट फैसिलिटी पे आया. क्या बदलाव आया क्रेडिट फैसिलिटी के ऊपर? गवर्नमेंट की जो क्रेडिट फैसिलिटी है फार्मर्स के लिए है ना. लोन मिलता है क्या फार्मर को? हाँ होंगे फार्मर आपके रिलेटिव के फार्मर. जाओ पूछो कितना लोन मिला है. क्या किया गया इन्होंने? अरे उसको मारो गोली. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग तो बंद कराने की बात कर रहे हैं अभी. इतनी सारी कमिटीज है. चार कमिटीज ने बोला है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बंद कर दो. इसका मतलब यह है कि हर बैंक के ऊपर एक कंपल्शन था कि आपके लोन के इतना परसेंट लोन आपको मार्जिनल सेक्शन को देना है. एससी एसटी माइनॉरिटी गरीब फार्मर इनको आपको लोन देना है. कमिटीज कहती है कि ये निकाल दो बैंक को अपना बिजनेस करने दो. इससे बैंक डूब रही है. लोन लेके कौन भाग रहे हैं? कॉर्पोरेट ने लोन लिया. अभी बताता हूँ आपको बिजनेस कैसा रॉन्ग जा रहा है. कि हमने देखा कि मैंने अभी अभी बताया कि एलपीजी के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर ने एग्रीकल्चर में एंट्री ली. ठीक है. इन्होंने क्या किया? दे रजिस्टर्ड देमसेल्व्स एज एग्रीकल्चर कंपनी. फॉर एग्जाम्पल सोनालिका ट्रैक्टर्स
ये ट्रैक्टर कंपनी है, इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी के नाम से रजिस्टर किया, इनको कम पैसे कम इंटरेस्ट में लोन मिलने लगे। इसीलिए जब क्वेश्चन पूछा गया था 2016-17 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि नीचे दिए हुए बैंक में से किसने सबसे ज्यादा लोन फार्मर्स को दिया, उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, नाबार्ड था और एक था प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स। किसने लोन दिया ज्यादा? प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स। इन्होंने फार्मर को नहीं दिया, इन कंपनीज को दिया, क्योंकि यहां से रिटर्न एश्योर्ड था। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में लोन किसे मिलना चाहिए? फार्मर को मिलना चाहिए। कॉर्पोरेट कंपनी को रजिस्टर करना है, कॉर्पोरेट कंपनी के नाम से करो। कमर्शियल बैंक हेल्प करता है। मेरा कहना वो नहीं है भाई, मेरा कहना ये है कि नाबार्ड है जो एग्रीकल्चरल लोन देता है, ठीक है, उन्होंने गरीब फार्मर को लोन देने चाहिए थे, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने गरीब फार्मर्स को लोन देने चाहिए थे, है ना, उनको नहीं दिए। फिर एक बैंक बचा है जिसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, उसमें फार्मर को लोन देना पड़ता है, एक स्पेसिफिक परसेंट होता है, टोटल लोन भी इतना परसेंट लोन आपको मार्जिनल सोसाइटी को देना है, उन्होंने मार्जिनल्स को नहीं दिया, कॉर्पोरेट्स को दिया, जो हिस्सा फार्मर का था वो उनको दिया, क्योंकि उन्होंने खुद को रजिस्टर कैसे किया, एग्रीकल्चर सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड। ये सबसे बड़ा बदलाव एलपीजी के बाद आया भारत में, फार्मिंग का तरीका बदला, कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग आया, है ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये सब डेवलप हुए। और मार्जिनल जो है, जिसके पास कैपिटल नहीं, जिसके पास स्किल नहीं, उसका एक्सप्लॉयटेशन, ये सबसे बड़ा बदलाव है, ठीक है। अब हमने देखा कि कॉर्पोरेट सेक्टर के आने के बाद क्या फूड सिक्योरिटी अचीव हुआ। फूड सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है? फूड टू एवरीवन, दैट इज गारंटी ऑफ फूड सप्लाई टू एवरीवन। अब उसमें नए नए टर्म्स आ रहे हैं, न्यूट्रिशियस फूड टू एवरीवन, हाइजीनिक फूड टू एवरीवन, ये सब बातें आई, ये तो नहीं मिला, लेकिन थोड़े बहुत तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि फूड का प्रोडक्शन बढ़ा, है ना, ये बातें, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग बता सकते हैं। तो एग्रीकल्चरल जॉब्स के डिक्लाइन का एक रीजन ये भी है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज टाउन एंड सिटीज में डेवलप हुई, उसके लिए जो माइग्रेशन हुआ टुवर्ड्स सिटीज, है ना, आउट माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, ये भी बढ़ा इसके कारण, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के में जो जॉब लॉसेस आए उसके कारण हमारे मेट्रो सिटीज के पॉपुलेशन अब बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर में जैसे मैंने पहले बताया कि जो एम्प्लॉयमेंट है ना, वो डिस्गाइज्ड है ना, मतलब एक ही फैमिली के लोग, सभी लोग एक एरिया में कल्टीवेशन के लिए लग जाते हैं, इसके बारे में हमने अभी अभी बात की, कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज के बारे में वो नहीं बोलेंगे। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के बारे में। 2005-12 कंस्ट्रक्शन हैड बी मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि 2005-2012 ऐसा क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन एरिया में बहुत ज्यादा जॉब जनरेट हुए? के आसपास कुछ नए बदलाव बैंकिंग सेक्टर में किए थे, ये बदलाव थे रियल एस्टेट सेक्टर को क्रेडिट देने के बारे में, कुछ रिलैक्सेशन नॉर्म्स लाए गए जिससे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए लोन देने के बारे में बढ़ावा दिया गया। अब उन दिनों गवर्नमेंट ने सोचा कि हम लोग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन चलाते थे पहले, अब उसको हटाकर हमने एक नया टॉपिक लाया था, वो था स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को हर सिटी में एलोकेट किया गया कि विदर्भा में दो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स रहेंगे, एक नागपुर में रहेगा मिहान के नाम से। फिर क्या हुआ कि इस सेक्टर को बताकर यहाँ के रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश की। ऑब्वियसली आपको SEZ के लिए कुछ 1000 acre लैंड की जरूरत थी, लैंड एक्वायर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की थी, क्योंकि लैंड एक्विजिशन जो टॉपिक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो रोल एज्यूम किया और उन्होंने लैंड एक्विजिशन के लिए अच्छे तौर पे पैसा देने की बात, किसको? फार्मर को। अब लैंड एक्विजिशन तो फेल हुआ, है ना, तो इसके लिए आपको पता है लैंड एक्वायर जब गवर्नमेंट करता है तो इसमें गवर्नमेंट का खुद का पोजीशन जो होता है वो इमिनेंट डोमेन के प्रिंसिपल के ऊपर किया जाता है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इमिनेंट डोमेन,
पब्लिक वेलफेयर के लिए, इसका मतलब यह है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट कोई भी लैंड एक्वायर कर सकता। अब इसमें पब्लिक वेलफेयर कौन सा है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो इसके लिए लैंड एक्वायर करने की पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई। लोगों ने विरोध किया, अपराइजिंग्स हुए, एजिटेशंस हुए, लैंड ही एक्वायर नहीं कर पाए, है ना, बहुत सारे स्टेट्स में लैंड ही एक्वायर नहीं हुई। अब जब ये सेक्टर था कि इतना बड़ा इंडस्ट्री आएगा तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, शॉप्स चलेंगे, बिजनेस बढ़ेंगे, इस बेसिस पे जो सेमी अर्बन एरिया के लोग थे, लाइक टाउन्स, तहसील प्लेस पे रहने वाले, उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई सिटीज की तरफ कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इन्वेस्टमेंट कीजिए, 2-3 साल के बाद रेट बढ़ जाए, है ना। अब बैंक भी फेवर में थे, लोन देना शुरू किया, लोगों ने जमीनें खरीदी, बैंक के साथ तो व्यवहार अच्छे से हुआ, लेकिन इसके बाद देखने को मिला कि प्रोजेक्ट ही ऊपर नहीं उठे, है ना। इसके बाद हमें देखने को मिला 2009 ऑनवर्ड्स जो रियल एस्टेट सेक्टर बूम पे था वो उतना ही फास्ट फॉल हुआ, है ना। ये मतलब इट वॉज लाइक अ बलून, एक लीक हुआ और पूरा हवा निकल गया, उसी टाइप का इनके साथ ये रियल एस्टेट सेक्टर के साथ हुआ। तो यहाँ हमने देखा कि बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो था वो इस सेक्टर में अवेलेबल था, और जो लोग एग्रीकल्चर एरिया से जॉब छोड़कर आए थे वो लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने लगे, मतलब जॉब एग्रीकल्चर छोड़ के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वो लोग काम करने लगे। अब हमें जो फिनोमेना दिखाई देता है, अब वो रिवर्स दिखाई देता है, जो लोग रिवर्स माइग्रेट हुए वो अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर छोड़ के, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर अब लॉस में है, तो अब वो एग्रीकल्चर की तरफ एब्जॉर्ब हो चुके हैं। इसी पीरियड में हमने देखा कि जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो कैसे बढ़ा, एग्रीकल्चरल इनकम बढ़ा ऐसी बात कही जाती। तो इन दिनों हमने देखा कि ट्रांसफर ऑफ लैंड हुआ बहुत बड़े लेवल पे, इसी फेज में 2005-2012 इस पीरियड में लोगों ने जमीनें खरीदी, क्योंकि रियल इस्टेट बूम क्रिएट करने की कोशिश की गई, जमीनों के रेट इतने ज्यादा बढ़ चुके थे, और बताया गया था कि अब ये रेट चेंज सेट ट्रेंड सेट हो चुका है कि अब ये रेट बढ़ते जाएंगे, तो अभी आप लैंड में इन्वेस्ट करो। लोगों ने लैंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया, बहुत सारे फार्मर्स थे उन्होंने अपने लैंड बेचे और वो शहर की तरफ निकले, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल इनकम में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी उस समय इस कारण हुई। हमने देखा कि टाउनशिप्स वगैरह जो थे पहले सिर्फ अर्बन एरिया में थे, है ना, अब हमें देखने को मिलता है कि या अर्बन एरिया के पेरिफेरी में थे, अब हमें देखने को मिलता है इसे क्या कहा जाता है, काउंटर अर्बनाइजेशन कहा जाता है। काउंटर अर्बनाइजेशन का मतलब ये है कि नाउ द पीपल लिविंग इन मेट्रो सिटीज आर टायर्ड ऑफ लिविंग देयर इन पोल्यूशन, सो मच नॉइज एंड एवरीथिंग, सो एटलीस्ट फॉर द वीकेंड्स एंड एटलीस्ट फॉर द वैकेशन दे वॉन्ट टू स्टे समवेयर इन साइलेंट प्लेसेस, कूल प्लेसेस, तो वो शहर के बाहर जाकर रहना पसंद करेंगे, फार्म हाउसेस। तो इस तरीके के फार्म हाउसेस की स्कीम्स हैं। धीरे धीरे वो एरिया भी महंगा हुआ, नाउ स्मॉल लेवल बिल्डर शिफ्टेड टू तहसील प्लेसेस, टाउन एरियाज, और टाउन एरियाज में लैंड, खेती, ये इसके रेट बढ़ना शुरू हो गया, उससे भी फार्मर्स को पैसा ज्यादा मिलने लगा। तो कैसे भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर कंट्रीब्यूट करता रहा एग्रीकल्चर को इनडायरेक्टली। इसमें ये हुआ कि जो कल्टीवेशन, टोटल कल्टीवेशन लैंड जो थी, टोटल लैंड अंडर कल्टीवेशन वो कम हुई, लेकिन जिन्होंने खेती बेची उसको पैसा मिला, ये उन दिनों बड़े लेवल पे हुआ। दूसरी चीज, अगर जॉब्स के बारे में सोचे तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो वर्कर थे, जो एग्रीकल्चर से आए थे, उन्हें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एज अ वेज अच्छा पैसा मिला। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड है उनके इनकम बढ़े, क्योंकि ये लोग बेसिकली एग्रीकल्चरल कम्युनिटी से थे और ये जॉब्स के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अर्बन एरिया में आए, ठीक है। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम एंड द रूरल इकोनॉमी इन इंडिया स्लोड डाउन मार्कली आफ्टर 2012। तो हमें दिखाई देता है एग्रीकल्चरल इनकम रूरल इकोनॉमी में कम हुआ 2012 के बाद, ठीक है। तो यहाँ कुछ फिगर्स हमें मिलते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन कंस्ट्रक्शन क्रिएटेड इन रूरल इंडिया अमाउंटेड टू 18.9 मिलियन बिटवीन 2005 टू 2012। अगर हम 2012 टू 2018 देखें तो ये 18.6 फिगर एकदम से कहाँ आ गया, 1.6 मिलियंस के ऊपर आ गया।
जॉब रिडक्शन जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वो 2012 के बाद एकदम से रैपिड फॉल पे आपको दिखाई देता है. साइज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स इन इंडिया डिक्लाइंड बाय 1 मिलियन बिटवीन 2012 टू 2018. मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स मतलब इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो लेबर फोर्स है वो आपको 1 मिलियन से कम होता हुआ दिखाई देता है 2012 से 2018 के बीच. तो यहां भी हमें दिखाई देता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में स्लो डाउन आने लगा है. उसका कारण है कि वहां पे जॉब लॉसेस होने लगे. ऑल वी कैन सी इज द सस्टेनिंग आईटी सेक्टर एंड अदर सर्विस इंडस्ट्रीज व्हिच वर प्रोवाइडिंग सस्टेनेंस फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. बाकी हर जगह हमने लगभग डिक्लाइन देखने को मिला. अब हमें देखने को मिलता है कुछ बाकी सर्विस सेक्टर जैसे एजुकेशन है. प्रोफेशनल बिजनेस एंड अलाइड सर्विसेज रिकॉर्डेड एक्सेलरेशन इन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ आफ्टर 2012. तो जैसे मैंने कहा कि सर्विस इंडस्ट्री बूम हुई वो 2012 के बाद भी कंटिन्यूएशन में रहा. तो 2012 के बाद भी आपको ये ग्रोथ रेट जो है वो सर्विस इंडस्ट्री में दिखाई देता है. कुछ खास सेक्टर्स हैं. एजुकेशन देखिए, एजुकेशन में वर्किंग कुछ हद तक 2012 के बाद है ना. द कोर्सेज ऑफर्ड बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट रीजनल यूनिवर्सिटीज, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज वो वाइडर हुए. दूसरा एक अप्रोच लोगों का बढ़ा. पीपल स्टार्टेड टू मूव आउट ऑफ इंडिया फॉर टेकिंग एजुकेशन. हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने का ट्रेंड जो वो भी 2012 के बाद आपको बढ़ते हुए. तो एजुकेशन सेक्टर में, प्रोफेशनल एजुकेशन में, बिजनेसेस में एंड अलाइड सर्विसेज में वाइडनिंग आया. यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा हुआ. अब देखते हैं 2005 से 2012 के बीच में इंडस्ट्रीज में कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस सेक्टर में जो जॉब क्रिएशन हुआ उसका रेट देखते हैं. 6.3 मिलियन अ ईयर था 2005 से 2012 तक. ठीक है, अब हमें देखने को मिलता है कि पोटेंशियल जॉब सीकर्स जो है इस एरिया में कौन से इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज, लगभग 14.2 मिलियन अ ईयर है. 14.2 मिलियन लोग अभी इन एरिया में जॉब सीकर्स मतलब जॉब एस्पिरेंट्स. इतने लोग शहरों में जॉब के लिए घूम रहे हैं. 14.2 मिलियन लोग हर साल ऐड हो रहे हैं जो जॉब ढूंढना चाहते हैं. तो अब क्या जरूरी है कि इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होना चाहिए. एक खास बात मुझे आपको बतानी है. अभी नेशनल पॉपुलेशन बिल, रीजनल स्टेट पॉपुलेशन बिल्स के बारे में डिस्कशन चल रहा है. इसमें दो बच्चों के ऊपर जो भी रहेंगे उनको किसी तरीके के फैसिलिटीज, इंसेंटिवाइजेशन या सब्सिडीज नहीं मिलेंगे, ये बातें कही जाती. लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है कि इसके पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमने अगर दो बच्चों से एक बच्चों तक का भी प्लानिंग किया, वन चाइल्ड फैमिली अगर हम डिजाइन करते हैं, तो क्या पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी? एक चैप्टर में आपको पढ़ा दूंगा पॉपुलेशन के बारे में. नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो इम्प्लीकेशन है, लेकिन पॉपुलेशन कम क्यों नहीं? आपने टू चाइल्ड पॉलिसी लाया, वन चाइल्ड पॉलिसी भी लाया, तो पॉपुलेशन एकदम से रिड्यूस नहीं होगी. अगले 10 साल या 20 साल तक या 2040 तक हमारी पॉपुलेशन और बढ़ेगी. ऐसा क्यों है? बैक में है आंसर? बड़ा दिख रहा था, बैक से आंसर निकलेगा. क्या होता है? अरे हमने अभी अभी पढ़ा कि हमारे यहाँ 15-29 एज ग्रुप जो है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर आ जाते हो आप लोग. यंग वुमेन की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मतलब वुमेन एस्पायरिंग टू मैरी एज बहुत ज्यादा है, वो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. इन सबकी शादियां हो जाए और एक एक भी बच्चा हो तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो. इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं. पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं मराठी में, हिंदी में पता नहीं. लोकसंख्या वाढीचा दर स्थिर होने, मतलब जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि हमारी पिछली जनरेशन अगर चार बच्चे हैं, हम चार भाई अगर हैं, हर किसी को अगर एक बच्चा हुआ तो चार भाई फिर से रहेंगे,
ठीक है ना, पूरा ना हिसाब होता तो बहुत होते हैं ना, क्रिकेट टीम से क्रिकेट टीम, फिजियोथेरेपिस्ट, मैनेजर सब उसमें आ जाते। लेकिन अगर एक है तो चार ही रहेंगे। मतलब इसका मतलब क्या है कि ओल्डर जनरेशन को नई जनरेशन ने पॉपुलेशन मेजर्स में रिप्लेस कर दिया। ये हो गया आपका रिप्लेसमेंट रेट, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट रेट अचीव करने के बावजूद बहुत सारे स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश है, आगे आने वाले चार सालों में अगर पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं भी लाई तो भी रिप्लेसमेंट लेवल पे जा रहा है, मतलब स्थिर हो रहा है। इसके बावजूद भी पॉपुलेशन बढ़ेगा क्योंकि विमेन जो यूथ एज में है उसका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऑब्वियसली मेल का भी जरूरत है, मेल का पॉपुलेशन भी ज्यादा है, विमेन का पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो एस्पायरिंग जो फैमिलीज है वो बहुत ज्यादा होंगे और इसके कारण नंबर बढ़ते जाए, ठीक है। तो ये जॉब सीकर जो होंगे वो फिर से ज्यादा रहेंगे। अरे है ना, वो फिगर दिखाया ना मैंने पहले आपको, वो तो फैक्ट है, मैं नहीं बता सकता कि ये ज्यादा क्यों है लेकिन फैक्ट है। देखो दुनिया में अभी चाइना है जिनका एवरेज एज जो है वो 37 इयर्स है ना, हमारा एवरेज एज 29 इयर्स है, यूरोपियन कंट्रीज एवरेज एज 47 चल रहा है, अमेरिका 46 टू 47 के आसपास चल रहा है। यंग पॉपुलेशन हमारे पास ज्यादा है लेकिन हमारे पास जॉब्स नहीं है, सिर्फ यूथ का होना काफी नहीं है, जॉब्स भी होना जरूरी है तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ता है और वो भी इंक्लूसिव होना चाहिए। आपने एक सेक्शन को साइड में रख दिया वो आगे जाकर एक्सट्रीमिस्ट बन सकता है अगर आपने उसे हमेशा के लिए साइड लग दिया, ठीक है। अब देखते हैं 2012 के बाद 2018 तक का, जिसमें पोटेंशियल वर्कर इन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, इसमें देखते हैं 17.5 मिलियन पर ईयर इतना था नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में, मतलब जो कृषि के व्यतिरिक्त दूसरा सेक्टर था। अब देखते हैं एक्चुअली एब्जॉर्प्शन इनटू दिस सेक्टर डिसेलरेटेड, तो एस्पिरेंट्स है 17.5 मिलियन एंड एब्जॉर्प्शन कितना है 4.5 मिलियन अदर देन एग्रीकल्चर, फिर बाकी के सब कहां जाएंगे, एग्रीकल्चर। अब हम देखते हैं अर्बन एग्रीकल्चर के बारे में एक एंगल, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था उस दिन मिलन वैष्णव का, में उन्होंने लिखा कि अर्बन एग्रीकल्चर के बारे में, मतलब हम लोग सोचते नहीं इसके बारे में ना, अर्बन एग्रीकल्चर अलग तरीके का होता है। जैसे कि अगर किसी के फादर क्लास वन ऑफिसर थे, उन्होंने खेती लेकर रखी रिटायरमेंट के बाद, बहुत लोगों ने खरीदी रिटायरमेंट के बाद, कुछ बचता है तो चलो भाई खेती ले लेते। अब अगर लड़के अनएम्प्लॉयड रहे वो मोस्टली सोचते कि इस लैंड का क्या करूं मैं, है ना, वो वहां पे कोई रेस्टोरेंट ढाबा रिसोर्ट इस तरीके के प्लानिंग में जाता है। आफ्टर ऑल दैट इंक्लूडेड इनटू द एग्रीकल्चर, इसे हम लोग एग्रीकल्चरल टूरिज्म कहते हैं। तो एग्रीकल्चरल टूरिज्म का बिजनेस आजकल अर्बन एरिया में बढ़ा वगैरह, मतलब फ्रिंजेस में आपको मिल जाते हैं ना, 10 किलोमीटर 25 किलोमीटर बाहर निकलो आपको फार्म्स मिल जाते हैं। तो ये इंडस्ट्री जो है वो डिपेंड करती है कि आपके सिटी की इकोनॉमी कैसी है ना। अगर हम नागपुर की बात करते हैं या विदर्भा रीजन की बात करते हैं तो बहुत कम लोग जाते हैं। अगर हम लोग मेट्रो सिटीज बैंगलोर की बात करें तो वहां पे इस सेक्टर में, मतलब अर्बन एग्रीकल्चर जो है बहुत फ्लरिश हो रहा है। वहां पे एक वीकेंड फार्मिंग शुरू किया गया, वीकेंड फार्मिंग मतलब आप वीकेंड में जाए वहां पे आपको एक घर है और लैंड दी गई, कल्टीवेबल लैंड दी गई, जब आप घर खरीदते हैं उसी के साथ आपका उसी समय आप घर के साथ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट भी खरीदते हैं, छोटा सा ट्रैक्टर है ना, टू व्हीलर वाला जोड़ता है वो वाला छोटा सा ट्रैक्टर आपको मिलता है, कुछ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट मिलते हैं, आप अपनी फैमिली की हेल्प से कुछ ना कुछ वहां पे बोलें तो आप अपने वेजिटेबल लगाओ, आप फ्रूट्स लगाओ, अपनी छोटी सी फ्रूट फार्मिंग शुरू करो और फिर वहां का ऑर्गेनिक घर में लेके जाके खाओ। तो 5 दिन काम करो, दो दिन खेत में काम करो और फिर अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खाओ। ये नया मेथड अभी बैंगलोर में शुरू किया गया, 3-4 साल हो गए इसको बढ़ावा मिलता है। तो अर्बन एग्रीकल्चर जो इस टाइप का है, ऑर्गेनिक फार्मिंग वो बड़े लेवल पे आ रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में अभी कैसे आया है, एक कोऑपरेटिव फार्मिंग उसमें डेवलप हो रहा है अभी, उसमें 6 या 7 लोग मेन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, उन्हें स्टेक होल्डर्स देखते हैं कि वो आए और इस 40 एकड़ के लैंड के फील्ड में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जितना इन्वेस्टमेंट करेगा उतना एकर लैंड उसको दिया जाएगा कल्टिवेशन के लिए, वो खुद अपने लेबर लगाए वो खुद उसमें इंटेंसिव फार्मिंग करे, बाकी की टेक्नोलॉजी वो देंगे, बाकी की सब चीजें वो देंगे, पानी वो देंगे आपको,
इस लेवल में भी एग्रीकल्चर चल रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग ये कुछ नए तरीकों से इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं अर्बन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो वो भी एक हो सकता है कि अगर यहाँ से जॉब लॉस हो तो अर्बन एरिया का यूथ जो है वहां पे जाके अपना एम्प्लॉयमेंट फिक्स करने की कोशिश करे। टाइम बताओ मैं तो बिल्कुल टाइम मीनिंग वही है ना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम होने का मतलब हर साल यूथ जो है वो उसका नंबर बढ़ते जा रहा है, तो जॉब सीकर्स की पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है और जॉब जनरेशन कम है। देखो जॉब जनरेशन वर्ड 2007 से पॉपुलर, देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह रिपीटेडली टॉकिंग अबाउट द जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट उसकी बात करती जा रही है। आईटी सेक्टर को इसलिए बढ़ावा दिया गया था, ऑटोमोबाइल सेक्टर को इसीलिए बढ़ावा दिया था, एक्सपोर्ट मैकेनिज्म को इसीलिए बढ़ावा दिया था ताकि जॉब जनरेट हो जाए, बिल्डर्स को क्यों सर पे लेके बैठे थे हम लोग ताकि जॉब जनरेशन होता है, ये एक रीजन। तो हमें पता है कि कितना यूथ क्रिएट होगा, इस यूथ को जॉब नहीं दे पाए ना आप लोग तो सोशल क्राइम सोशल पैंडेट्रीज डेवलप होती है ना, तो इसीलिए जरूरी है कि आप इनको प्रॉपरली चैनलाइज करें। देखो आपने जो बात कही वही यहाँ पे आपको दिखाई देती है, मिसमैच बिटवीन पोटेंशियल सप्लाई एंड डिमांड फॉर लेबर डिपेंड आफ्टर 2012, तो ये दोनों चीजें हमें डीप होते हुए दिखाई देती है। ओनली वुमेन सफर्ड ड्यू टू द मिसमैच बिटवीन 2005 टू 2012, यंग मेन आर आल्सो अफेक्टेड आफ्टर 2012, वुमेन तो हमेशा ही विक्टिम रही है, 2005 से 12 तक वो विक्टिम ही थी, 12 के बाद अभी मेल भी विक्टिम कैटेगरी में आ चुके हैं। 30 to 59 years old men managed to secure 90.4% of all non-agricultural employment opportunities. भारत में 2012 से 2018 तक जितने जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुए non-agricultural सेक्टर में, उसमें 30 to 59 years old men 90% में देखे गए, मतलब 90% were male, ठीक है। Leaving very few jobs for women and younger men. तो देखो 30 साल तक से लेकर 59 years old तक ज्यादातर जॉब 2012 से 2018 तक इन लोगों को मिले, मतलब 30 साल वाले लोगों का क्या अनएम्प्लॉयड है ना। अब इसमें देखते हैं आप लोग कभी जॉब्स वगैरह देखते होंगे, जॉब पोर्टल्स देखते होंगे, उसमें देखेंगे एक्सपीरियंसेस रिक्वायर्ड 5 years, 6 years, 10 years, 3 years, 2 years, वो जनरली 30 प्लस लोगों के पास ही होता है ना। 26 तक तो हम बच्चे रहते हैं, 25-26 तक बच्चे रहते हैं ना, जॉब लग भी जाए तो भी बच्चे रहते हैं और उसके बाद एक्सपर्टीज मांगी जाती है, तो उसके लिए एलिजिबल पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास कम है, तो ये रीजन है जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूथ के बीच में रहा है। 50 टू 59 इयर्स ओल्ड वुमेन इन इंडिया इनका अगर हम लोग देखें 23% वर एम्प्लॉयड इन 2018, ठीक है, सॉरी 2005 में लगभग 42.8% वुमेन 15 टू 59 एज ग्रुप की एम्प्लॉयड थी, ठीक है। अब अगर 2018 का नंबर देखते हैं तो कितने हैं, सिर्फ 23% वुमन। कौन सा ये चाइल्ड लेबर में देखिए 14 इयर्स का कैटेगरी, 14 इयर्स तक आप हैजर्डस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते, नॉन हैजर्डस में 14 तक पार्ट टाइम काम आप कर सकते अगर फैमिली में दूसरा कोई अर्निंग नहीं है तो, ठीक है। 15 के बाद आप हैजर्डस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते, 18 के बाद आप हैजर्डस इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो 15 टू 59 अगर देखा जाए वुमेन का, तो 2018 में सिर्फ 23% वुमेन एम्प्लॉयड है इस एज ग्रुप, ठीक है, पहले वो 42% था। शार्प राइजिंग प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन हु रिपोर्टेड देयर स्टेटस एज अटेंडिंग डोमेस्टिक ड्यूटीज इन देयर ओन हाउस होल्ड, ये हमें बढ़ते हुए दिखते हैं कि वुमेन वर्किंग एट डोमेस्टिक लेवल, मतलब डोमेस्टिक ड्यूटीज इन देयर ओन हाउस होल्ड, हम वर्ड यूज करते ना होम मेकर, हाउस वाइफ या फिर होम मेकर बताते हैं। डिग्री क्या है आप, एजुकेशन क्या है, एंड PhD फ्रॉम IIT, वॉट यू आर डूइंग करंटली, आई एम अ होम मेकर। मुझे पहले ये वर्ड पता नहीं था, मुझे एक सीनियर लेडी ने बताया था आई एम अ होम मेकर, मैंने पूछा कि कहां पे है आपका कंस्ट्रक्शन साइट, मुझे लगा घर बनाती है
मैंने पूछा आपका कंस्ट्रक्शन साइट कहाँ है मैडम, मैं आकर एक बार देखना चाहूंगा। तो फिर उसने हंस के मुझे बताया, मैं इट्स लाइक आई एम अ वाइफ एंड आई घर संभाल लूंगी भाई, अपना कुछ नहीं करती। हाँ तो देखो सिचुएशंस, देखो सिचुएशंस मार्केट के वैसे चेंज हुए ना, हमने देखे ना सिचुएशन मार्केट में क्या क्या चेंज हुए, उसी के हम लोग रिजल्ट अभी देख रहे हैं सिर्फ। हमने सिचुएशन देख लिए कि हम अभी हमें सिर्फ रिजल्ट देखना बाकी है, ये सिर्फ फिगर्स है अभी हम लोग देख रहे हैं कितने हुए, कितना पार्टिसिपेशन रेट रहा, क्या रहा। देखो आईटी सेक्टर में जो जॉब्स हैं, जैसे हम छोटा सा एक फिनोमेना देखते हैं रीजनलिज्म ऑफ जॉब्स। जॉब का रीजनलिज्म एक फेमस टॉपिक है, पता आपने पढ़ा है कभी एम्प्लॉयमेंट रीजनलिज्म? जैसे गवर्नमेंट में एक एलिगेशन हमेशा लगाया जाता है कि तमिलनाडु इज द स्टेट वेयर स्टेट पब्लिक सर्विस ऑफिसर्स आर ऑलवेज प्रिवेलिंग इन प्रमोशन, नॉट द यूपीएससी गाइस। स्टेट सर्विसेज वालों को जनरली वहां के लोकल बॉसेस का दर्जा हमेशा मिलता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हमारे यहाँ भी नागपुर में भी कुछ साल पहले एक कमिश्नर थे, he was coming up from the state civil services, MPSC through select हुए, उन्हीं को हमने यहाँ पे म्यूनिसिपल कमिश्नर बनाया। तो हम चाहते थे कि चलो यहाँ का लोकल पर्सन है तो he will handle it very well। तो ये गवर्नमेंट में मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। दूसरा हम लोग देखते हैं कि लाइक इफ यू वॉन्ट टू बुक सर्च फॉर द जॉब यू विल हैव टू आइदर एनरोल विद एनी एजेंसी और यू विल हैव टू गो टू पूना और टू दिल्ली गुड़गांव नोएडा, इस एरिया में आपको जाना पड़ता है जब जहां पे आपको जॉब्स अवेलेबल। सो दीज आर द एरियाज वेयर जॉब अवेलेबिलिटीज आर देयर। तो इसे हम लोग कह सकते हैं जॉब रीजनलिज्म, इसी एरिया में अवेलेबल है, बाहर यहाँ अवेलेबल नहीं, माइग्रेट करना ही है आपको, है ना। क्या कहते वो जो तुमने मदर इंडिया नाम एक नॉवल है वो जरा पढ़ो, बहुत फेमस रहा है, इंडिया में बैन किया गया था उसको, तो इंडिया की रियलिटीज बताई थी उसने क्या थी। उसमें बताया था कि हाउ वुमेन वेयर सप्रेस्ड एंड हाउ दे वेयर नॉट अलाउड टू माइग्रेट टू द अर्बन एरियाज, बहुत सारी स्टोरीज है उसमें। अब देखते हैं मेल में 15 to 29 अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड फ्रॉम 6.7 मिलियन इन 2012 टू 21.1 मिलियन इन 2018। इतना कम था अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.7 मिलियन 2012 में, अभी 2018 में 21 मिलियन, इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है। टू टैकल दिस एक्शन विल बी नीडेड ऑन मल्टीपल फ्रंट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स इन ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो कहा जाता है, मानव संसाधन विकास, है ना। तो इसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। इसकी शुरुआत जो है वो एजुकेशन से होनी चाहिए, लाइक प्राइमरी बेसिक एजुकेशन से इसकी शुरुआत होती है। हर जो हमें सबसे जरूरी क्या सिखाना है, अभी कौन सी वैल्यू है जो हमें सिखाना है, वो है शेयरिंग, है ना। शेयरिंग हमें सिखाना, भाई तुम जिस देश में रहते हो या जिस धरती पर रहते हो वो अब किसी के एक पर्सन के रहने के लिए नहीं बनी, है ना। वी हैव बिलियंस टू शेयर, है ना, बिलियंस लोग हमारे साथ है जिनके साथ हमें शेयर करना है, तभी यह सब सही सिस्टम चलेगा, अदरवाइज अफगानिस्तान हो जाएगा उसका, है ना। शेयरिंग नहीं करोगे तो हर जगह ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हमें करना होगा। सोशल कैपिटल एक टर्म यूज की जाती है फिर से, है ना। तो सोशल कैपिटल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, इनका विकास, ठीक है। रिवाइवल ऑफ प्रोडक्टिव सेक्टर्स, प्रोडक्टिव सेक्टर्स के रिवाइवल, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनका प्रोडक्शन अच्छा था, वहां पे जॉब जनरेशन अच्छे थे, वो सेक्टर्स खत्म हो गए, उनका रिवाइवल करना जरूरी है। प्रोग्राम्स टू स्टिमुलेट स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। भारत ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं, फास्टेस्ट। ये कैपिटलिस्ट बन जाते हैं, बराबर है, हाँ सही है, सही बताया। तो अभी कैपेक्स नाम का एक डेटाबेस है जो सीएमआईई खुद रिलीज करती है, इन्हीं का एक कैपेक्स नाम का डेटाबेस होता है। तो उसमें हमें पता चला कि जो नए इन्वेस्टमेंट्स हैं, मतलब हर कंट्री में एक इकोनॉमिक फाइनेंशियल ईयर में जितनी इन्वेस्टमेंट्स आनी चाहिए उसमें हमें फॉल दिखाई देता है। तो ये फॉल हमें लगभग 2011-12 से ही दिखाई देता है,
देखते हैं न्यू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स पिक एट रुपीज 25 ट्रिलियन इन 2010-11, ठीक है, नए इन्वेस्टमेंट्स लगभग 25 ट्रिलियन रुपीज है, डॉलर्स नहीं है, रुपीज है। 2017-18 में वो लगभग कहां तक आ गए, 11 ट्रिलियन रुपीज तक आ गए, ठीक है। और इसके बाद हमें फिर से दिखाई देता है कि 2018-19 में वो लगभग 10 ट्रिलियन तक आ जाए। तो हमारा नया इन्वेस्टमेंट जो आने का रेट है वो धीरे धीरे फिसलते जा रहा है। इंपैक्ट ऑफ ऑल दिस इन्वेस्टमेंट इज रिजल्टिंग इनटू द श्रिंकिंग ऑफ जॉब्स। तो हम लोग देख सकते हैं 2018 में नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड डिक्लाइंड बाय 11 मिलियन 2018 में, नए एम्प्लॉयमेंट जो फिक्स होने थे वो लगभग 11 मिलियन से कम हो। तो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली अफेक्ट्स द जॉब क्रिएशंस, ठीक है। यहाँ पे फिर से कुछ डेटा दिया हुआ है, वो आप लोग देख लेना, बहुत डेटा देख लिया। फॉल इन जॉब्स इज नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू अ प्रोपोर्शनेट राइज इन एम्प्लॉयमेंट, बट इट इज शोविंग अप अ फॉल इन द लेबर पार्टिसिपेशन फोर्स। लेबर पार्टिसिपेशन रेट में कमी आने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता हुआ आपको दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब लॉसेस हो रहे, इसका मतलब ये है कि नया जो यूथ आता है, जो जॉब के सर्च में आता है, आप उसे नए जॉब नहीं दे पा रहे, ये हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट का सही मतलब, ठीक है। राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज बैड, बट द फॉल इन लेबर पार्टिसिपेशन रेट इज वर्स। लेबर पार्टिसिपेशन रेट अगर कम हुआ है तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा समझा जाता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली डेटाबेस ऑन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट डिड नॉट अट्रैक्ट मच पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल अटेंशन, है ना। इलेक्टोरल बिहेवियर में हम लोग देख सकते हैं, जब हम लोग स्टडी करेंगे कि 2014 के इलेक्शन, 2019 के इलेक्शन, उसमें देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया। व्हाइल वोटिंग हाउ मेनी पीपल कंसिडर्ड द एम्प्लॉयमेंट, है ना। दूसरा चीज ये था कि हाउ मेनी पीपल फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट, विकास, विकास को देखकर कितने लोग वोट करेंगे, ये क्वेश्चन भी इसके बारे में भी लोक नीति के सर्वे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हमें ये पता चलता है कि लोकल लेवल पे विकास को देखा गया और वोट किया गया, लेकिन जनरल इलेक्शंस में विकास और एम्प्लॉयमेंट दोनों को साइडलाइन किया गया और वोटिंग किया, ठीक है। तो हम लोग जब वो देखेंगे तब ये बातें ध्यान में आएंगी, लेकिन यहाँ पे फिलहाल इतना ही इम्पोर्टेंट है कि एम्प्लॉयमेंट को पॉलिटिकल वेटेज नहीं मिला, इलेक्टोरल वेटेज भी नहीं मिला। 7% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड इन द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। 2017-18 का नेशनल सैंपल सर्वे का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार गवर्नमेंट में सिर्फ 7% ही जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, ठीक है, इंक्लूडिंग पीएसयू, सभी पीएसयू उसमें उसका पार्ट बन चुके हैं। ये पहले भी आया था, पहला पॉइंट छोड़ देते हैं। There has been a massive decline of government sector jobs. हम लोग देखते हैं 2005 से 2012 तक जॉब ग्रोथ जो थी गवर्नमेंट सेक्टर में वो लगभग 1.3 मिलियन थी हर साल, ठीक है। 2012 से 18 के बाद वो आकर रुक गई 0.4 मिलियन पर ईयर, ये भी बहुत बड़ा डिक्लाइन है। देखो 1.3 मिलियन 2005 से 12, 2012 के बाद 0.4 मिलियन जॉब जनरेशन गवर्नमेंट में हुई, ठीक है। नंबर ऑफ यूथ एंगेज एज सेल्फ एम्प्लॉयड डिक्लाइन फ्रॉम 81 मिलियन टू 63 मिलियन बिटवीन 2005 टू 2012, 2005 से 2012 के बीच में 81 मिलियन सेल्फ एम्प्लॉयड 63 मिलियन सेल्फ एम्प्लॉयड पे आ चुके थे। अब वो 2012 से 18 तक 49 मिलियन तक आ चुके हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब एंटरप्रेन्योर्स का नंबर भी क्या हो रहा है, फिसल रहा है। एज पर 15-16 एनएसएस सर्वे मोर देन 99% ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेस आर माइक्रो एंटरप्राइजेस, है ना। तो आपको पता है कि माइक्रो एंटरप्राइजेस या ये कैटेगराइजेशन कैसे किया जाता है, कैटेगराइजेशन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे किया जाता है और कितने एम्प्लॉयज है उसके बेसिस पे किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के शेयर में, शेयर ऑफ ग्रुप सी एंड ग्रुप डी जॉब्स इज एन ओवरवेलमिंग 89%, लिविंग 11% जॉब्स फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप डी।
होता है यूपीएससी के थ्रू, है ना। आपके सबके पोजीशन तो सुपर क्लास वन होंगे, लेकिन एक कैटेगरी होगा ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, मतलब फॉरेस्ट, ये तीन आए। इसके बाद आएगा ग्रुप ए सर्विसेज, है ना, जिसमें इनकम टैक्स, एक्साइज टैक्स वगैरह डिपार्टमेंट्स, आईआरएस डिपार्टमेंट इसके अंदर आएंगे। इसके अलावा ग्रुप बी सर्विसेज रहेंगे, और इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में ही ग्रुप सी और ग्रुप डी सर्विसेज भी रहते हैं, ये आपके लिए नहीं है। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी, इनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज 89% है, और ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज के 11%। ऑब्वियसली ऑफिसर्स कम होते हैं, तो इस तरीके से हमें दिखाई देता है। With such few marginal or professional staff, it is impossible to run any government. मतलब आपके पास professionals का number इतना कम है, exports का number इतना कम है, और आप एक government चलाने की बात करते हो, it is very difficult. ठीक है, right to work ले लूँ आज के रुकूँ? हाँ, ले लूँ। मैं minority बोली है, ले लो, majority नहीं बोली। क्या बताऊं, मेरे दिमाग में विकास के नाम से बहुत जोक है। मुझे विकास बोला तो जोक ही याद आता है। डेवलपमेंट वर्ड यूज करते हैं ना, विकास बोला तो वो थोड़ा सा अलग लगता है। ठीक है, राइट टू वर्क का एक स्लाइड ले लेते हैं। ना भी नहीं, हाँ भी नहीं, बीच में है ना। तो राइट टू वर्क का जो डिमांड है वो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स के आने से नहीं हुआ। जैसे हम लोग देखते हैं कि मूलभूत अधिकार या मूलभूत हक जिसे हम लोग कहते हैं, उसका डिमांड वर्ल्ड वॉर टू के बाद हुआ। इसकी एक्टिविज्म, इससे रिलेटेड एक्टिविज्म वर्ल्ड वॉर टू के बाद शुरू हुआ। क्या रीजन थे उसके, वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्यों हुआ शुरू? फंडामेंटल राइट्स का कैंपेन, मूवमेंट, कन्वर्ट, ये क्यों शुरू हुआ? एक्टिविज्म वगैरह क्यों शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर टू के बाद? बताओ। और कोई बताइए, वर्ल्ड वॉर टू के बाद फंडामेंटल राइट्स का कैंपेन शुरू क्यों हुआ? ये सही नहीं है, तुम दोनों का भी सही नहीं है। Exactly. You are very close. But see what happened after World War II. The world wars always pushed the world into the destitution, like the economic destitution and several kind of exploitation. The main exploitation was the government itself. हम लोग देखते हैं कि World War II में अलग-अलग देशों में expansionist activities चलाई गई, बहुत सारे area conquer किए गए, वहाँ पे जो मिलिटरी रूल थे उन मिलिटरी रूल के सामने ह्यूमन राइट्स कुछ भी नहीं थे। तो जो ह्यूमन राइट्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए या हर इंडिविजुअल की सिक्योरिटी लाने के लिए, उसको एक स्टेटस अवॉर्ड करने के लिए एक स्टेटस बनाने की कोशिश की। ये स्टेटस था सिटीजनशिप का स्टेटस। अब सिटीजनशिप को स्टेटस कैसे समझें? व्हेनेवर अ गवर्नमेंट इज अवॉर्डिंग यू अ सिटीजनशिप, इट इज अवॉर्डेड विद अ स्कीम ऑफ फंडामेंटल राइट्स। Means you have been given and protected by certain scheme of fundamental rights. After the violation of these fundamental rights, you can go to the courts directly. जैसे हमारे पास दो आर्टिकल है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। इसमें आपको हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, अगर आपको कहीं भी लगा है कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ। इससे क्या होता है कि आरबी का रूल आया, वो बहुत पावरफुल है, लेकिन आप भी पावरफुल हो, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते। ये एक गारंटी फंडामेंटल राइट्स के स्कीम से डेवलप। उन्हीं दिनों आपको ये पता होगा कि बिजनेसेस, इकोनॉमीज अपनी डिक्लाइन पे थी, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट था,
वो वार में डाइवर्ट किया गया। इससे बहुत प्लेसेस ऐसे थे जहां का एक प्रॉपर बिजनेस पैटर्न था, एक इकोनॉमी था, मर्केंटाइल इकोनॉमिक्स थी, उन सभी में बहुत बड़ा डाइवर्जन आया और ये पैसा डिफेंस में लगाया। अब ऑब्वियस रीजंस थे, ऑब्वियस इम्प्लीकेशंस थे, यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस पे फैमाइंस डेवलप हुए, कुछ जगह पे जहाँ पे ड्रॉट्स थे वहां फैमाइंस देखने को मिले, और इस कारण अब दुनिया का अटेंशन था, चलो वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया, टेरिटोरियल वार तो खत्म हुए, अब व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स एंड इकोनॉमी, इसके बारे में बातें होने। तब राइट टू वर्क का इशू सामने आया, तो काम मिलने का अधिकार, इसे फंडामेंटल राइट बनाने की बात की गई। अब फंडामेंटल राइट ऑब्वियसली तब हर कंट्री में शेप अप नहीं हुए थे, हमारे देश में तो अभी भी लोगों को पता नहीं कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्या है, ना? बट यूरोप वाज क्वाइट अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। एजुकेशन बहुत पहले आ चुका था, एजुकेशन का एक्सेस बहुत पहले आया हुआ था, तो उन्हें यह सब चीजें पता थी। तो हम लोग देख सकते हैं कि जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आया, उसमें ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की गई। आपको पता है कि सेवरल ह्यूमन डायमेंशंस कैन बी सीन, बहुत सारे सेंटिमेंटल ह्यूमन डायमेंशंस जो है वो एज अ ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट किए गए, और इसके बाद इसका ट्रांसफॉर्मेशन एक सिविल राइट्स मूवमेंट में हुआ, जिसमें अलग अलग राइट्स की डिमांड की जाने, जैसे हम हमारे आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ का स्कीम है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग चीजों को उस दायरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही अब राइट टू वर्क अंडर राइट टू लाइफ डिमांड किया जा रहा है। भारत में भी इसका मूवमेंट चल रहा है, बहुत बड़े लेवल पे मूवमेंट नहीं, ये कन्फाइंड होता है, भारत में कोई भी मूवमेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का कन्फाइंड होता है, क्योंकि उस लेवल का एजुकेशन एंड अवेयरनेस हमारे यहाँ नहीं है। तो हमें दिखाई देता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जैसे PUCL है, PUDP है, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो बार बार कोर्ट में ऐसे PIL लेकर जाते हैं, ठीक है। तो शुरुआत हुई है वर्ल्ड वॉर टू और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यहाँ से ये फ्यूल हुआ। भारत में ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार नहीं है, राइट टू वर्क अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हमारे लिए नहीं है, लेकिन हमारे पास इसी तरीके के लाइन पे एक नया सेगमेंट लाया गया 2004 में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके पहले ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट NRCGS के नाम से पहले पॉपुलर था, राजीव गांधी स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना के नाम से इसको शुरू किया गया था। अब इसको यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के अनुसार आज पूरे भारत में नेशनल लेवल पे शुरू किया गया। तो यहाँ से हमारे यहाँ शुरुआत होती है राइट टू वर्क, लेकिन ये राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट न होकर क्या है, स्टैचुटरी राइट। स्टैचुटरी राइट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहते हैं, कम्स फ्रॉम अ लेजिस्लेशन। जैसे कोई लेजिस्लेचर, कोई लेजिस्लेशन लाया गया और उस लेजिस्लेशन के तहत आपको एक एडहॉक राइट दिया गया, ये राइट एडहॉक होता है, किसी खास सेक्टर में होता है और इसके क्वालिफिकेशंस होते हैं, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं होता, ये क्वालिफाइड राइट है। मतलब अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो, अगर आप BPL में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, तो आपको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये एक क्वालिफाइड राइट है, इसीलिए इसको स्टैचुटरी राइट कहा गया है। अंडर मगनरेगा पर्सन कैन होल्ड द स्टेट अकाउंटेबल फॉर नॉट फुलफिलिंग द राइट फॉर डिमांडिंग अनएम्प्लॉयमेंट अलोवेंस। तो मगनरेगा के तहत एक पर्सन गवर्नमेंट के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है कि उन्हें जो मानधन मिलना चाहिए था मगनरेगा के थ्रू, वो अभी तक नहीं मिला, ये डिमांड लेकर वो कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन स्टेचुटरी राइट है, इसका मतलब कि आप कोर्ट में उसके खिलाफ भी जा सकते हो, अपने स्टेट के खिलाफ जा सकते हो। स्टेचुटरी राइट ऐसा राइट होता है जो खुद गवर्नमेंट आपको देती है, क्योंकि गवर्नमेंट वो लेजिस्लेचर लेकर आती है, वो खुद आपको अधिकार देती है कि अगर ये गारंटी नहीं हो तो आप कोर्ट में हमारे खिलाफ जा सकते हो, ठीक है। इतनी अच्छी होती है गवर्नमेंट, डॉक्यूमेंट्स पे देखा तो कितना अच्छा लगता है सर। नहीं समझा तो पूछिए। अभी उन्होंने एक
नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया 2020 में. उसमें उन्होंने 11 लाख करोड़ का एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है शहरों का, रास्ते ये वो, इन फैसिलिटीज को शुरू किया, इन कामों को शुरू किया. अब इसमें जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उतना होगा. हाँ, जितने दिन प्रोजेक्ट चलेगा. अब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट टेम्पररी इंस्टीट्यूशन है, 5 साल के बाद वो जाती है. तो जनरली कोई भी गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाता है 10 साल या 15 साल के लिए लाता है, ज्यादा से ज्यादा 15 साल का इसलिए लाता है भाई, फिर एक बार चुन के दो तो हम पूरा प्रोजेक्ट करेंगे. ऐसे होता है. 11 लाख करोड़ इज नॉट इनफ, यू नो, बहुत कम हो गया. वो 2 शहरों का या 3 शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा. मगनरेगा आपको इंडिपेंडेंट है, एमपीएससी मेन सिलेबस में भी है. मगनरेगा एचआरडी में आता है और यहाँ पे भी मगनरेगा इकोनॉमी में आता है. दो अलग अलग एस्पेक्ट से आपको बना के रखना है. ये बहुत दिन चलेगा क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट स्कीम मगनरेगा. जैसे हमने देखा मगनरेगा का डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ है, बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है. उसके कारण हमेशा में मगनरेगा चर्चा में होता है, तो ये हमेशा का मुद्दा हो गया कि हमेशा रहेगा, इसलिए अच्छे से करके रखो. और आपको पढ़ना क्या, एक बार आपने समझो, इस बार पढ़ लिया, आप फिर से प्रिलिम्स दे रहे हो, फिर से आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगली बार अगले साल में अगले फाइनेंशियल ईयर में जितने उसमें इनोवेशन लाए, तमिलनाडु लाता है जनरली, केरला लाता है, तो वहाँ क्या क्या इनोवेशन लाए, कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, ये थोड़ा सा तो वो आप मॉडल के तौर पे लिख सकते हैं.